नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्राइमरी स्कूल शिक्षा व्यवस्था की नींव होती है। वहाँ बच्चे सिर्फ का खा गा घा या ABCD सीखने नहीं जाते, वे सीखने जाते हैं पढ़ने की आदत। और अगर एक बार बच्चों में ये आदत पड़ गई तो उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारे देश के अधिकांश प्राइमरी स्कूलों की हालत दिनों दिन बदतर होती जा रही है, खासकर सरकारी प्राइमरी स्कूलों की। और हम दीनानाथ शास्त्री एक ऐसे ही प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर हुआ करते थे, लेकिन एक दिन इन लोगों का गाड़ी वाला भी ना पता नहीं का दुश्मनी है उसको हमसे, और जिस दिन हम जरा सा भी लेट हो जाए तुरंत टाइम पर आकर फुर हो जाता है। लेकिन जब हम रोज टाइम पर आते हैं तो मजाल है उसका, कभी टाइम पर आ जाए मन तो करता है मार के मियाज ठंडा दे उसका, लेकिन क्या करे। भाई साहब, ये बच्चे स्कूल जाने के लिए खड़े हैं? नहीं, मछली मारने आए हैं, मारिएगा का। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे गजब बतिया रहे हैं आप। अरे समझने वाली बात है, स्कूल ड्रेस पहन के अब पीठ पर गधा की तरह किताब कॉपी का बोझ लादे हुए अरे स्कूल जाने के लिए खड़े होंगे ना। हाँ लेकिन इनके तो गांव में ही स्कूल है। कौन स्कूल? अरे वही जो अपना सरकारी स्कूल है गांव में। अच्छा जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। लीजिए, अरे तो उसमें पढ़ने कौन जाता है? वहाँ तो बच्चे सिर्फ खाना खाने जाते हैं, उभी जिसके घर में खाने का बहुत दिक्कत है बुझे। अरे का हुआ जी? कुछ नहीं, वैसे एगो बात पूछे आपसे। हाँ पूछिए। आप हैं कौन? अब से पहले तो इस गांव में आपको कभी देखे नहीं हम। मैं यहाँ के स्कूल का नया टीचर। बढ़िया है, सरकारी नौकरी लग गया है, लुटिए मजा लुटा राजा। अब बता सकते हैं कि यहाँ पे सरकारी स्कूल कहाँ है? आप इस रास्ते से सीधा चले जाइए। अच्छा। बाएं मुड़ने के बाद सामने आपको स्कूल मिल जाएगा। थैंक यू। सुनो जी। नमस्ते। नमस्ते। हेडमास्टर साहब हैं क्या? नहीं, वो तो बैंक गए हुए हैं, आने में ज़रा टाइम लग जाएगा। बैंक गए हुए हैं? हाँ, वैसे आप हमारे स्कूल के नए टीचर हैं ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? हेड सर ने बताया था। सुनो बच्चों, ये हमारे स्कूल के नए टीचर हैं, अब से ये भी हमें पढ़ाएंगे। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। चलो चलो जल्दी करके क्लास में दरी बिछवा दो, हम आते हैं। आइए सर। वैसे तुम कौन, कुछ बताओगी? मैं पिंकी, यहाँ पढ़ने आती हूँ। तुम यहाँ पढ़ती हो? हाँ, क्यों मैं पढ़ नहीं सकती क्या? अरे क्यों नहीं, बल्कि पढ़ना ही चाहिए, पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। वैसे किस क्लास में हो तुम? जी पहली में। सर ये हमारे यहाँ का ऑफिस है। अच्छा। हाँ सर, आप बैठिए।
सर मैं आपके लिए चाय भिजवाऊं? नहीं नहीं ठीक हूँ मैं। तो मैं आती हूँ, वो क्या है ना बच्चे आ गए होंगे और प्रेयर का टाइम भी हो गया है। सुनो। हाँ सर। तुम्हारी बातों से तो नहीं लगता कि तुम पहली क्लास में पढ़ती हो। बातों का क्या है सर, हम गांव वाले तो वैसे ही बात बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। मैं प्रेयर करा कर आती हूँ। सब आ गए हैं ना जी? चलो चलो सब ठीक से लाइन में आओ, जल्दी जल्दी। प्रेयर सावधान, प्रेयर विश्राम, प्रेयर सावधान, प्रार्थना के लिए जल्दी रेडी हो जाओ। तू ही राम है, जल्दी आओ जल्दी। तू रहीम है, तू करीम है, कृष्ण खुदा हुआ। आइए सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम सब? अच्छे हैं सर। तुम सब एक ही साथ बैठे हुए हो, समझ में नहीं आ रहा कि कौन किस क्लास में है। मैं बताती हूँ सर, वो उस कोने से लगकर पांचों बच्चे पहली के हैं। ये भी? हाँ सर। सर ये दिखने में छोटा है लेकिन छोटा नहीं। सर मैं इसका बड़ा भाई दीपक, मैं दूसरी क्लास में पढ़ता हूँ। सर सर ये दीपू झूठ बोल रहा है, इसका भाई का उम्र 5 साल से भी कम है। कायदे के हिसाब से इसे आंगनवाड़ी में पढ़ना चाहिए लेकिन वहाँ जाके इन्हें सिर्फ 250 रुपए मिलेंगे और यहाँ प्राइमरी स्कूल में आकर इन्हें 400 रुपए मिलते हैं, इसलिए इसके घर वाले इसे यहाँ पढ़ने भेज देते हैं। इसे तो पढ़ने में ये बहुत कमजोर हो जाएगा। उसका यहाँ किसी को परवाह नहीं है सर, कुछ बच्चे और भी हैं इसी की तरह। खैर छोड़िए, मैं आपको क्लास के बारे में बताती हूँ। सर वो दीपू से लगकर दूसरी लाइन दूसरे क्लास के बच्चों की है, फिर सब सीधा ही है, तीसरी लाइन वाले तीसरी क्लास के, चौथी लाइन वाले चौथी क्लास के, और ये जो लास्ट लाइन है ना ये 5वीं क्लास की है। तो फिर तुम वहाँ क्यों बैठी हो, तुम तो पहली में हो ना? हाँ सर, लेकिन वो इन सबसे बड़ी हूँ ना तो शर्म के मारे पीछे बैठती हूँ। ठीक है बैठ जाओ, पहले अटेंडेंस लगा लेते हैं। नहीं नहीं सर, अटेंडेंस तो लास्ट में बनता है, कुछ बच्चे जरा लेट भी आते हैं, आप पढ़ाना शुरू कीजिए ना। ठीक है बैठ जाओ। पहली वाले बच्चे मुझे हिंदी में वर्णमाला लिख करके दिखाए। जी सर। 5वीं वाले बच्चों आज मैं तुम लोग का भी एग्जाम ही लूंगा। साइंस में कहाँ तक की पढ़ाई हुई है? सर 4th लेसन तक पढ़ाई हुआ है, हम आपको किताब देते हैं ना, आप कहीं से भी पूछ लीजिए। ये लीजिए सर। ठीक है। पिंकी आज हेड सर नहीं आए का? ये कौन है? नए वाले सर है, आज से ये भी पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे? अरे वाह। सर आप इन्हें पढ़ाइए, हम इनका कमरा खुलवा कर आते हैं। लेकिन ये है कौन? हमारा नाम है मिस्त्री, मिस्त्री का ढेला, यहाँ हम मिड डे में खाना बनाते हैं। अच्छा 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 ठीक आते हैं सर। नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू। चलते हैं। अच्छा चौथे पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिख करके दिखाओ। महाराज कितना गंदा हो गया। ए महाराज का लगता है ये जो नायका मास्टर है कुछ करेगा का? ए पे बोलेंगे ना तो तुम बोलोगे कि बोलवे करता है, हमरा कोनो रिश्तेदार है वो, हमको का पता कैसा है कैसा नहीं है। नहीं लेकिन तब वो कुछ तो लगा होगा मैंने देख के, जैसे कि एक बार में। हाँ नया लौंडा है, हमको तो लगता है पहली बार पढ़ा रहा है। पहली बार पढ़ा रहा है तबे तो थोड़ा उम्मीद है कि कुछ पढ़ाएगा कुछ करेगा। कहाँ पढ़ाएगा, यहाँ पढ़ने के लिए कौन आता है रे? हमरा तुमरा बच्चा तो जाता है प्राइवेट स्कूल में। ये लीजिए चाबी, और हाँ पहले ढंग से सफाई कर लीजिएगा। देख लिए साले पिंकी अपने को हेडमास्टर से 1 रुपया कम नहीं समझती है। अरे वही तो है जो थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ाई होती है, वो बूढ़ों के भरोसे रहे ना वो स्कूल में ताला लग जाएगा वो नहीं पैसा इनका। क्या मास्टर साहब आज फिर से? अरे कितना बार बोले हैं आपको ये पुराना गाड़ी हटाइए नया गाड़ी ले लीजिए, लेकिन अब बातें नहीं सुनते हैं हमारी। अरे 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिला है आपको गाड़ी का पड़ा है, ये लीजिए राम प्रताप को चाबी दे दीजिए, कहिए गाड़ी ठीक करा के आ जाएगा। सिर्फ 2 साल बचे हैं रिटायर होने के लिए, रिटायर हो जाएंगे तो गाड़ी का करेंगे का? ठीक है मास्टर साहब। ठीक है चलते हैं। नमस्ते मास्टर साहब। राम राम। ये क्या लिखा है? सर हमारे विद्यालय में कुल 7 कमरे हैं, जिनमें से 2 मुखिया जी के हैं, जिसमें भूसे रखे जाते हैं, एक में पढ़ाई होती है और एक में। एक मिनट रुको, जब हम निबंध लिख रहे होते हैं तो ऐसी बातें नहीं लिखा करते कि हमारे स्कूल के कमरे में भूसा भरा जाता है। जी सर। ठीक है बेटा
अरे इसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, क्या कीजिएगा। सर आप यहाँ के हेडमास्टर साहब हैं ना? सर गुड मॉर्निंग। अरे काहे का गुड मॉर्निंग, बैंक गया था, दो मिनट का काम था, आधा घंटा लगा दिया उन्होंने और बीच में मेरी गाड़ी खराब हो गई। खैर आपने आते ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, बड़ा अच्छा लगा। अरे बेटा निबंध लिखने में सत्यवती राजा हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं है, समझे। कहाँ पिंकी दीदी? मैं यहीं हूँ सर। अरे बेटा सुनो, जरा तुम क्लास देखो, मैं अभी आता हूँ, आप जरा मेरे साथ आइए। जी चलो सब अपनी बुक्स निकालो। खैर वो छोड़िए, और भी हैरानी वाली बात सुनिए, यहाँ पर जो बच्चे आते हैं ना, कईयों को तो पढ़ने लिखने से कोई मतलब ही नहीं, यहाँ तो मिड डे मील के लिए आते हैं। सर प्रणाम। सर प्रणाम। सर भोर का प्रणाम स्वीकार किया जाए। देखिए रूम के मजेदार चकाचक कर दिया है, देखिए। अच्छा हाँ वो तो दिख ही रहा है, तुम काम करो, हम आते हैं अभी। देखो रूम दिखाने आ गया। ये कैसा आदमी है जी, खुद तो महीना महीना भर नहाते नहीं है, अकेले आदमी कितना काम करेगा जी, हम काम करेंगे सफाई में लगे रहे। अरे छोड़िए ना महाराज, ये पे कुछ बोलेंगे ना तो बोलेगा कि बोलता है फालतू वाला बात। प्राइमरी टीचर को सरकार ने एकदम फालतू ही समझ रखा है, उनके जितने भी काम हैं हमारे ऊपर थोप दिए जाते हैं। इलेक्शन करवाना हो, बच्चों का आधार कार्ड बनवाना हो, या आधार कार्ड बैंक से लिंक करवाना हो, सब हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। और तो और ये स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है, उसके लिए जो शौच के लिए सुबह सुबह लोग बैठ जाते हैं ना, उनको डंडा लेकर भगाने काम भी हमारे ऊपर है। डंडा लेकर के? हाँ जी, सुबह भगाते हैं, शाम को फिर आ जाते हैं, क्या करिएगा, सरकारी नौकरी है, बस किए चले जा रहे हैं। लेकिन आप परेशान मत होइए, आप तो अपना काम ठीक से करिए, बच्चों को पढ़ाने का। सर मेरी तरफ से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, वैसे आप स्कूल में अकेले ही हैं। एक और मैडम है जो मुखिया साहब की साली है। तो? अरे दो दिन के लिए आती हैं और महीने भर की हाजिरी लगा के चली जाती हैं। और आप उन्हें कुछ कहते भी नहीं? अरे क्या कहूँगा, ये जो स्कूल है ये उनके दादाजी की ज़मीन पर बना हुआ है, उस पर हक जताने के लिए, अपनी बपोती दिखाने के लिए, यहाँ दो कमरों में तो भूसा भर रखा है, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे बताइए। कैमरा रोल करो, हम इसी आदमी से अपना रिपोर्टिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके मैम। एक्सक्यूज मी, क्या आप इसी गांव से हैं? नहीं लंदन से आए हैं। गजब बतिया रही है मैडम, अरे समझने वाली बात है, ये लुंगी और कुर्ता पहन के कोई बाहर का आदमी यहाँ घूमेगा का? Anyway, मैं रश्मि हजारिका, NI न्यूज रिपोर्टर। और हम ललन सिंह, भैया जी सपोर्टर, जब तक सूरज डान रहेगा भैया जी का नाम रहेगा। एक मिनट, हम यहाँ कोई चुनावी सर्वे करने के लिए नहीं आए हैं। तो का हर जोतने आई हैं? मैम आई थिंक ही यूज्ड अब्यूसिव लैंग्वेज फॉर यू। नो He is just asking that why we are here in his desi style, you know. का अंग्रेजी में गिटिर पिटिर हो रहा है दोनों का? कुछ नहीं, देखिए हम यहाँ के सरकारी स्कूल के ऊपर एक न्यूज रिपोर्ट तैयार करने आए हैं, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ पढ़ाई कैसी होती है? अब देखिए हम तो यहाँ पढ़ते नहीं हैं और ना ही हमारे बच्चे लोग यहाँ पढ़ते हैं, तो आप खुद जाके देख लीजिए। इस गाँव में बस ये एक ही सरकारी स्कूल है और यहाँ आस पास कोई दूसरा स्कूल भी तो नहीं है, तो फिर आप अपने बच्चे को यहाँ क्यों नहीं पढ़ाते? कहाँ ना, खुद जाके देख लीजिए। स्कूल की हालत तो रियली काफी खराब लगती है। जॉन जरा कैमरा यहाँ फोकस करना। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं, ये इस गांव की स्कूल की दीवार है और इस पर ये देखिए, ये बरखा रानी के डांस प्रोग्राम का पोस्टर चिपका हुआ है, एक दो पोस्टर और भी है और नीचे शायद स्कूल के बच्चों ने भी अपनी कलाकारी दिखाई है। अब इस दीवार को देखकर आपको इस स्कूल के हालत का अंदाजा तो लग ही चुका होगा। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं स्कूल के कैंपस के अंदर। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, एक प्राइमरी स्कूल के हिसाब से एरिया काफी बड़ा है स्कूल का, कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। अब ये देखना जरूरी है कि यहाँ पढ़ाई कैसी होती है और क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर, आइए देखते हैं। ये देखिए, ये इस स्कूल का पहला कमरा है जो अभी बंद है और इसके नीचे ये भूसा यानी मवेशियों का सूखा चारा पड़ा हुआ है, जो ये दर्शाता है कि इस पूरे कमरे में भूसा भरा हुआ है। क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा। क्या कर रहे हो तुम सब? मैं जाऊँगा। आगे चलते हैं। चलो चलो अंदर चलो। मेरा आएगा। अंदर जाओ। तुम कौन? आप ऑफिस में चलिए ना, हेड सर भी वही है। हाँ और बच्चे यहीं रहेंगे, आप बाद में शूट कर लीजिएगा, थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद कर लीजिए प्लीज। ओके सर, न्यूज वाले आए हैं। आइए आइए। सर हम लोग NI न्यूज से हैं और यहाँ आपकी स्कूल की हालत को लोगों तक पहुँचाने आए हैं। आप खड़े क्यों, बैठिए ना पहले।
थैंक्स। पिंकी बेटा। हाँ सर। मिस्त्री से कहो जरा चाय पानी का इंतजाम कर दे। ठीक है सर। हाँ तो सर, आपकी नज़र में यहाँ की स्कूल की हालत कैसी है? देखिए, यहाँ टीचर बहुत कम हैं, मैं हूँ और मेरे अलावा एक मैडम है, आशी, ये सर आ गए हैं। नाइस टू मीट यू सर। थैंक्स। वैसे यहाँ की मैडम कौन है? वो पिंकी? नहीं नहीं, वो तो बच्ची है, यहाँ 10वीं क्लास में पढ़ती है। माता पिता उसे हाई स्कूल में नहीं भेजना चाहते तो यहाँ चली आती, मैं उसे पढ़ा देता हूँ जब वक्त मिलता है तो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा करते हैं आप। लेकिन यहाँ के बच्चों का क्या? मैंने देखा है कि सभी बच्चे एक ही क्लासरूम में बैठे हैं और वो भी हार्डली 20-25 होंगे। देखिए, ठेठ देहाती इलाका है, यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए कम ही आते हैं। ना ना, आई थिंक ये गांव इतना भी बैकवर्ड नहीं है। वो आदमी क्या बोल रहा था, यहाँ का बच्चा लोग बाहर जाके प्राइवेट स्कूल में पढ़ता, इट मींस यहाँ पे पढ़ाई अच्छा नहीं होता होगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। गोपाल, रखो पानी है। लीजिए, आप लोग पहले पानी पीजिए। ओ मिस्त्री से कहो जरा चाय जल्दी भेज दे। जी जी। चाय नाश्ता खिलाकर हमें पटाने में लगे हैं। मुद्दे की बात कीजिए, आखिर स्कूल में बच्चे क्यों नहीं आते? क्यों गांव में सरकारी स्कूल होने के बावजूद वो बाहर प्राइवेट स्कूल की तरफ भागते हैं? जवाब दीजिए। प्राइवेट स्कूल तो आजकल फैशन सा बन गया है, सरकारी स्कूल में लोग अपने बच्चों को भेजने में अपनी इंसल्ट समझते हैं। मेरे ख्याल से आपके घर के भी बच्चे प्राइवेट में ही जाते होंगे। तो आप ये बताना चाहते हैं कि आपका स्कूल बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ के लोग अपने कॉलर टाइट करने के चक्कर में अपने बच्चों को यहाँ नहीं भेजते, ये कहना चाहते हैं आप? जॉन, कैमरा रोल करो, अभी जो भी बात होगी इन फ्रंट ऑफ कैमरा होगी। अरे क्या कर रहे हैं, ये सब बाद में करिए, पहले हम ऐसी बात कर लेते हैं। जी नहीं, देखिए रेडी जॉन। यस मैम। ये सच है कि स्कूल की हालत बहुत खराब है, लेकिन ये दिखा करके आप समाज में कौन सा बदलाव ला देंगी? मैं बताता हूँ आपको, इस नेगेटिव न्यूज का असर ये होगा कि लोगों का भरोसा जो इन सरकारी स्कूलों पर वैसे ही कम है वो भी टूट जाएगा। इक्के दुक्के लोग जो अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेजते भी हैं, वो भी नाम कटवाकर किसी प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहेंगे। हाँ तो अच्छा है ना, ऐसे स्कूलों में भेजकर अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करने से क्या फायदा? आई थिंक गवर्नमेंट शुड क्लोज दिस टाइप ऑफ स्कूल्स। अरे हम जैसे टैक्स पेयर्स का लाखों करोड़ों रुपया इन फालतू इंस्टीट्यूट को चलाने में वेस्ट हो जाता है जिसका कोई मीनिंग नहीं। अरे मीनिंग आपको समझ नहीं आएगा, दरअसल हमारे देश में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए दो वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाना बड़ा मुश्किल है, उनके बच्चों के लिए इसी तरह के स्कूल एकमात्र जरिया है पढ़ने का। लेकिन सर इनको इससे क्या मतलब? मैडम आप एक काम कीजिए, आप रिपोर्ट बनाइए और बंद ही करवा दीजिए ऐसे स्कूलों को। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? सही कह रहे हैं सर। अमित बाबू आप जाइए अपनी क्लास में, हम बात कर लेते हैं। एक न्यूज रिपोर्टर होने के नाते यदि ये चाहे तो समाज में बहुत कुछ बदलाव ला सकती हैं, पर इनको समाज की नहीं, इनको तो अपनी पड़ी है। यही कारण है कि इनके रिपोर्टिंग का अप्रोच नेगेटिव होता है, ये उन खबरों को कभी उतना तवज्जो ही नहीं देते जिससे कोई समाज में पॉजिटिव वाइब्रेशन फैले। आप अपनी क्लास में जाइए प्लीज। नहीं सर, बात अब मेरी प्रोफेशन पर आ गई है। हाँ तो बोलिए, मैं आपके स्कूल के बारे में अभी क्या रिपोर्ट तैयार करूं जिससे समाज में पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैले, बोलिए। मैडम मैंने कहा ना थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ यदि पॉजिटिव अप्रोच के साथ मेहनत की जाए तो ये स्कूल क्या इससे भी गया गुजरा स्कूल इस देश के स्कूलों के लिए मिसाल बन सकता है। बहुत ही अच्छा भाषण देते हैं आप पॉलिटिक्स क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? बहुत स्कोप है वहाँ आप जैसे लोगों के लिए। देखिए मैं इनकी तरफ से माफी चाहता हूँ। नहीं सर, इन्हें टाइम चाहिए ना, मैं देती हूँ ना इनको टाइम, पूरे 2 हफ्ते का टाइम। अगर इन 2 हफ्तों में आप स्कूल की हालत बदल पाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर मैं अपना रिपोर्ट चेंज कर लूँगी आप। और नहीं तो ऐसा रिपोर्ट तैयार करूँगी जिसे देखकर सरकार ये स्कूल बंद करे या ना करे। आप दोनों की छुट्टी तो ज़रूर करेंगे। आप कहाँ इनकी बातों को लेकर बैठ गई? जी नहीं सर, अब 2 ही रास्ते हैं आप लोगों के पास। पहला, या तो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं तो दूसरा, हम मीडिया वालों को अपना काम करने दीजिए। तो बोलिए, क्या आप लोगों को हमारा चैलेंज एक्सेप्ट है? नो आंसर, लेट्स गो जॉन। अब हम इन्हें अपनी रिपोर्टिंग दिखाते हैं, चलो। ऑल द बेस्ट सर। क्या कर दिया आपने? अगर खुन्नस में आकर उसने उल्टी सीधी रिपोर्ट लिख दी तो हमारी खैर नहीं है, अब जाकर उनसे माफी मांग लीजिए। किस बात के लिए सर, मैंने कुछ गलत कहा क्या? सही भी तो नहीं बोला, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, जाइए, हाथ जोड़ता हूँ मैं आपके, जाकर उनसे माफी मांगिए और मामले को रफा दफा करिए वरना हमारी नौकरी का सवाल है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये स्कूल का शौचालय है, लेकिन ये देखिए इसमें ताला लगा हुआ है, यानी कोई चाहे भी तो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। अरे वो क्या कर रहे हैं लोग? क्या हुआ? अरे देखिए ना, वो मैडम उनका कैमरामैन लेटरिंग का फोटो खींच रहा है।
ये देखिए इसके आसपास कितनी गंदगी भरी पड़ी है। मिला? परफेक्ट मैडम। कम मैडम, मैडम चाय। थैंक यू। वेरी हॉट मैन, यू मस्ट गिव अस कोल्ड ड्रिंक, यू नो। मैं सर जी को देख आता हूं। अभी अच्छे से देखना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। जी। सॉरी। किस बात के लिए? मुझे आप लोगों से इतनी रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी। हमें आप जैसे लोगों की आदत है। एक बात पूछे रश्मि जी आपसे। आपको पूरे इलाके में एक मेरा ही स्कूल मिला था? और भी तो स्कूल होंगे गाँव में। देखिए सर, आप हमें हमारा काम मत सिखाइए। हमें अच्छी तरह पता है कि इस पूरे इलाके में आपके स्कूल की हालत सबसे ज्यादा खराब है। हाँ, क्योंकि टीचर नहीं थे ना, अब मैं आ गया हूँ। तो फिर ठीक है, मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लीजिए। चैलेंज वाली बात नहीं है मैडम। बात है, क्योंकि अब एक नॉर्मल स्कूल की नहीं बल्कि एक आइडल स्कूल बनाने की बात होगी। क्या हुआ सर, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? आप ही ने तो कहा था ना कि हम मीडिया वाले ऐसी रिपोर्टिंग करें जिससे समाज में पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैले। तो इससे अच्छी रिपोर्ट और क्या हो सकती है कि एक टीचर ने कैसे मात्र 15 दिनों में एक पूरे स्कूल का एटमॉस्फेयर ही चेंज कर दिया। अगर ऐसी बात है तो मुझे चैलेंज एक्सेप्ट है। डन। तो फिर मैं अपने ऑफिस में इसके बारे में बात कर लेती हूँ। जी मैडम जी, बहुत दर्द दे रहे हैं। अपने बाप से बोलता काहे नहीं है कि स्कूल की फीस भर दे? कान खोल के सुन लो तुम लोग, अगर दो दिन के अंदर स्कूल की फीस नहीं भरा ना तो स्कूल आने की जरूरत ना है। और अगर गलती से आ भी गया ना तो वो हाल करेंगे ना कि सोच भी नहीं सकते हो। उठो जाओ। आइए बैठिए। बात हो गई? जी, और मैंने उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अरे आप पागल हो गए क्या? अरे 15 दिनों में तो क्या 15 सालों में भी हम स्कूल का कुछ नहीं कर सकते? आपको क्या लगता है कि मैं नहीं चाहता कि स्कूल अच्छी तरीके से चले, बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें? लेकिन हमारे चाहने से क्या होता है? सर सिर्फ चाहने भर से नहीं होगा, यदि हम उस चाहत को पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे तो जरूर होगा सर। मेहनत करेंगे? क्या मेहनत करेंगे? जानते हैं आप उस मैडम को, महीने में सिर्फ 2 दिन के लिए आती है यहाँ पर, और बच्चे नाम लिखा लिखा कर घर में बैठे हुए हैं। कुछ बच्चे जो यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए वो मिड डे मील खाने के बाद भाग जाते हैं। आप उनको पकड़ पकड़ के लाके पढ़ाएंगे, क्या करिएगा बताइए? वो सब कुछ करेंगे जो अभी आपने कहा। मजाक समझ रहे हैं ये सब कुछ करना? मजाक नहीं सर, काफी टफ जॉब है, लेकिन अगर आप इसके लिए तैयार नहीं तो कोई बात नहीं, मैं उस न्यूज वाली मैडम से बोल देता हूँ, आपको जो रिपोर्ट बनानी है वो बना के ले जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सोच लीजिए सर, मेरा तो कुछ नहीं होगा लेकिन आपका सस्पेंशन पक्का है। कैसे? वो मैडम और वो बच्चे जो स्कूल आते ही नहीं, उनके नहीं आने पर भी उनका अटेंडेंस बनता है। टाइम टू टाइम मैडम की सैलरी और बच्चों की स्कॉलरशिप और ड्रेस आदि के पैसे सरकारी खजाने से निकलते रहते हैं, तो सीधे सीधे आप पर फॉर्जरी केस बनता है ना सर। कोई बात नहीं, आप आराम से बैठकर चाय पीजिए, मैं उस न्यूज वाली से बोल देता हूँ कि उसको जो रिपोर्ट बनानी है बना के ले जाए, हम कुछ नहीं कर सकते। सुनिए जी, आइए बैठिए। देखिए आप अकेले नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं। ट्रस्ट मी सर, सब ठीक हो जाएगा, हमें फटाफट एक्शन में आना होगा। सबसे पहले आप उस मैडम को फोन कीजिए जो सिर्फ अपनी सैलरी लेने आती है। आप उस मैडम को जानते कौन है? वो मैडम मैंने बताया था। वो कोई भी हो सर, लेकिन जब तक न्यूज वाले अपने साथ है ना, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कच्चा खा जाएगा हमें। वो कुछ नहीं करेगा, आप ही ने तो कहा था वो विधायक का इलेक्शन लड़ने वाला है। ठीक है मैं फोन लगा देता हूँ, आप बात कर लीजिए। ये लीजिए। हाँ नमस्ते। पुनीता जी गुड मॉर्निंग। जी बोलिए, कैसे याद किया? आज आप स्कूल क्यों नहीं आई? जी वो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो इसलिए स्कूल नहीं आ पाया आज। आपकी तबीयत तो कभी ठीक ही नहीं रहती। अरे नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, हम तो आते ही हैं। कोई बात नहीं, आप अपनी तबीयत ठीक कर लीजिए और कल से स्कूल आने की आदत डाल लीजिए, वरना आपके खिलाफ हमें एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन? जी यदि अभी भी आप टाइम से नहीं आती हैं तो। वैसे आप बोल कौन रहे हैं?
आपके स्कूल का नया टीचर। नया टीचर? जी। कल तो स्कूल की छुट्टी है ना, तो हम लोग ऐसा करते हैं परसों आके मिलते हैं आपसे। हैं? ओके। एक नयिका टीचर का इतना हिम्मत कि हमको धमकी दे दे। जीजा जी से बोलकर उसके होश ना ठिकाने लगवाया ना, तो हमारा नाम भी पुनीतता नहीं है। मुखिया जी, हमने अपनी तरफ से आपका नाम विधायक कैंडिडेट के लिए पार्टी को भेज दिया है, बाकी आगे जो होता है देखते हैं। अरे चचा, आपने कह दिया तो पार्टी आपकी बात टाल सकती है क्या? नहीं ना? हाँ, उम्मीद तो है। महेंद्र बाबू, उम्मीद पे जीना हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। बाकी पार्टी वालों के भी हमें फोन आ रहे, फोर्स कर रहे हो। जो भी बातें हैं जल्दी से क्लियर करें। भैया जी के रुतबे के बारे में तो आपको पता ही होगा, है ना? निर्दलीय भी लड़ेंगे तब भी जीत का झंडा गाड़ ही देंगे। फोन काहे नहीं उठा रहे जीजा जी? अरे ऐसा नहीं है, इनकी पकड़ बस अपने इलाके में है, बाकी दूसरे इलाके में और लोग भी हैं। महेंद्र भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उठ, उठ, उठ इसे। औकात है तो अपना पार्टी का कैंडिडेट उतार के देख। जमानत न जब्त करा दिया तो हमारा नाम भी हेमराज सिंह नहीं। उठ यहां से, उठ 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 उठ, भाग। चुप कर हेमो, जा तो गाड़ी में जाके बैठ, उठ चल जा। इसकी बात का बुरा मत मानिएगा। अच्छा महेंद्र बाबू, एक बात हमको बता दीजिए आप, ये इलाका हमारा है ये बात आप भी तो मानते हैं ना? हाँ बिल्कुल। अपनी पार्टी वालों को जाके समझा दीजिए, अगर हम कैंडिडेट ना हुए तो हमारे इलाके में आपके पार्टी का पोस्टर तो दूर की बात है, एक छोटा सा बैनर तक नहीं लग पाएगा, है ना? जी सुनिए महेंद्र बाबू, उनको जाकर आप ये समझाइए अगले दो दिन में हमको फैसला चाहिए, अगर हम हमारा फैसला लिए ना तो ठोकर चाटने की हमें दोबारा आदत नहीं है। जी प्रणाम। एक एक को पकड़ के कूट देंगे अगर एक का भी आवाज आया तो। अब पागल करते थे सब, ये बार बार घंटी पे घंटी टंटनाए जा रही हो, क्या बात है? नई का टीचर आया है और हमको धमकी दे रहा है। धमकी? हाँ, कह रहा है कि रोज स्कूल टाइम पे नहीं आएंगे तो हमरे ऊपर एक्शन ले लेगा। सरकारी स्कूल की बात कर रहे हो का? और नहीं तो किसकी बात कर रहे हैं? कुछ तो कीजिए, बस कुछ कर दीजिए। हम दूध दुगो स्कूल को कैसे अब अकेले अकेले संभाल लेंगे? तो टेंशन काहे ले रहे हो, हम है ना? लव यू जीजू। लव यू बेटा। तो अब तुम लोगों में से कौन बताएगा भारत के राष्ट्रपति कौन है? हम बताएं मैडम। ए गुलुआ, ज्यादा नौटंकी मत कर, तुम उसे बोलने क्यों नहीं दे रही? मैडम ये पूरे स्कूल का सबसे गधा लड़का है, इसको कुछ नहीं आता है, बस दिन भर मस्ती सूझता है। पिंकी दीदी हमें कुछ बोलने ही नहीं देती है। अच्छा तो फिर तो तुम ही बताओ हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? हम नहीं है, आप नहीं है, बताइए। सही कहा ना मैडम? बिल्कुल सही, और कोई बताना चाहेगा? हाँ बताओ। महात्मा गांधी। अरे बाबलू, महात्मा गांधी तो राष्ट्रपिता है ना, मैडम ने राष्ट्रपति पूछा है। रामनाथ कोविंद। रश्मि जी। जी। आपने अपने ऑफिस में बात कर ली? हाँ। तो क्या आप पूरे 15 दिन यहीं रुकने वाली हैं? डेफिनेटली, क्यों, कोई प्रॉब्लम है आपको? अरे नहीं जी, अब तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, अब आप देखिएगा ये स्कूल कैसे एक आइडियल स्कूल में कन्वर्ट होगा। मैं कुछ समझी नहीं। बहुत जल्द समझ जाइएगा। सर ये मुखिया ही है ना? सही टाइम पे एंट्री ली है इसने, आइए देखते हैं। चलते हैं। नमस्कार। जी प्रणाम। जी प्रणाम। ये कौन है? ये जी मैं अमित, यहाँ के स्कूल का नया टीचर। वाह मास्टर जी, कोई नया आता है कोई चला जाता है, हमको तो वैसे आप यहाँ के मुखिया जी है ना? कोई शक है का आपको? अरे नहीं जी प्रणाम, वैसे बड़ी लंबी उम्र है आपकी। आप ही के बारे में बात चल रही थी। का वो? खैर छोड़िए,
इनसे मिलिए, ये रश्मि जी है। नमस्ते जी। और नमस्ते। इनके कैमरा पर्सन मिस्टर जॉन। नमस्कार। ये दोनों मीडिया से है, अपने स्कूल की रिपोर्टिंग करने आए हैं। अच्छा। वैसे पूछ रहे थे कि स्कूल के कमरे में जो आपने भूसा भर रखा है उसके बारे में। मैंने बता दिया कि आपके घर पे कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा था। हाँ, वो घर का रिपेयरिंग का काम चल रहा है ना, तो एक दो दिन के लिए हमने रखवा दिया, बस बाकी कुछ नहीं। तो काम पूरा हो गया? अरे मास्टर, क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है, ये लोग सीरियसली ही पूछ रहे थे कि कब तक आपके घर का काम पूरा हो जाएगा। एक हाथ दो दिन में पूरा हो जाएगा, बाद में हम रख देंगे, है ना? आपकी जो साली साहिबा है, यानी स्कूल की मैडम, वो स्कूल क्यों नहीं आती? आपने क्या जवाब दिया? जी मैंने बता दिया कि उनकी तबीयत आज ठीक नहीं थी, इसलिए वो आज स्कूल आई नहीं। बिल्कुल सही, अभी जो हम आ रहे हैं ना, वो उनको अस्पताल में वहीं से आ रहे हैं। अब तबीयत कैसी है उनकी? बढ़िया है। मुझे ऐसा लगता है कल या परसों तक तो आ जाएगी, स्कूल ज्वाइन करी हो तो हम चले। जी चलो। ये मुखिया की छटपटाहट देख के बड़ा सुकून मिला मुझे, लेकिन आने वाले खतरे का डर है थोड़ा। वो दो कौड़ी का मास्टर ससुरा आपको भिगा भिगा के जूते मार रहा था और आप चुपचाप खड़े होकर सुन रहे थे। एक बात बताएं भैया, ये विधायक बनने में इतना नाटक है ना, तो आप मुखिया अच्छे हैं, कम से कम इज्जत तो बनिए ना। पागल मत बन, किसके सामने इज्जत की बात कर रहे हैं तुम? मीडिया वाले के दम पर ही तो उछल रहा है ना वो। हाँ, खूब उछलने दो, एक बार मीडिया वाला यहाँ से निकल जाए उसके बाद अगर खून के आंसू उसको नहीं रो रहा है तो मेरा नाम बदल देना। और हाँ, आज से मिड डे मील खाने के बाद कोई भी स्कूल से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? जी सर। और जिसके भी घर वालों को इससे दिक्कत होती है उसके घर वालों से आकर के मैं बात करूंगा। और वैसे भी हम तुम्हारे गांव कल आ ही रहे हैं, सुना है कि काफी बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल आते ही नहीं। दरअसल बदलाव तो हम खुद चाहते थे, लेकिन इसके लिए हिम्मत अब जुटा पाए। लेके आए हम हर मुनिया, घर से निकलो मुन्ने मुनिया, अब स्कूल चलो तुम, स्कूल चलो तुम, स्कूल चलो तुम, स्कूल चलो तुम। यहाँ तुम बैठे हो घरों में, यहाँ तुम बैठे हो घरों में, और चांद पहुंची दुनिया, अब स्कूल चलो तुम। डंडा छुआ छुई आँख में चौली खेलो तुम, आँख में चौली खेलो तुम, आँख में चौली खेलो तुम। नहीं रोकने आए हम ये गुड्डा गुड़िया ले लो तुम, गुड्डा गुड़िया ले लो तुम, गुड्डा गुड़िया ले लो तुम। खाली खेल नहीं है जिंदगी, खाली खेल नहीं है जिंदगी, समझो दुनिया दुनिया, अब स्कूल चलो तुम। तेरे अंदर अवसर बाबू तुम पहचानो, बाबू तुम पहचानो, बाबू तुम पहचानो। अरे अवसर बीता जाए पल पल, अवसर बीता जाए पल पल, बजे घंटी टुन टुनिया, अब स्कूल चलो तुम।
माना हमने पढ़ लिख के हर कोई कलेक्टर ना बनता, हर कोई कलेक्टर ना बनता, हर कोई कलेक्टर ना बनता। बिना पढ़ा कोई एक कलेक्टर बतला दे हमको जनता, बतला दे हमको जनता, बतला दे हमको जनता। किसकी किस्मत कब करवट ले, किसकी किस्मत कब करवट ले, क्या जाने ये दुनिया। अब स्कूल चलो तुम, 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 स्कूल चलो तुम। अरे वाह मास्टर साहब, आपने तो कमाल ही कर दिया। हमने क्या किया, कमाल तो इन्होंने किया है, हम तो उम्मीद ही खो बैठे थे। अरे चाचा पता है क्या हुआ, मुखिया ना इनके डर से उका हो गया जी, फुस हो गया। अरे फुस हो गया, स्कूल में भूसा नहीं था रखा हुआ, सारा भूसा हटवा रहा। लेकिन ये मेरी नहीं, इनकी वजह से हो पाया है। अरे नहीं, मैं तो बस अपना ड्यूटी करने आई थी, लेकिन अब काफी मजा आ रहा है यहाँ पे। गांव के मिट्टी की बात ही अलग होती है मैडम। वैसे एक बात करनी थी आपसे जी। आपका घर काफी बड़ा है, मैं सोच रहा था कि आप यहीं एक कमरा किराए पे दे देते तो मुझे स्कूल जाने आने में काफी आसानी हो जाती। मैं हर महीने किराया आपको टाइम से देते रहता। अरे गांव में किराए पे मकान कौन देता है। आपने इसको पढ़ा दिया कीजिए। जी जी, इसको पढ़ने का बहुत शौक है। जी 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 जी, बाकी हम आपके रहने का इंतजाम कर देते हैं। अच्छा, हम भी दिल्ली से आए हैं, अगर हो सके तो हमारे लिए भी एक कमरे का इंतजाम हो जाता तो बहुत मेहरबानी होती। अब हम आप दोनों के रहने का इंतजाम कर देते हैं, बोलिए खुश। थैंक यू दादाजी। दादाजी, मम्मी ने बोला है कि खाना रेडी है। ओके, हम अभी आते हैं। गॉड ब्लेस यू, जा भाग जा। ये पिंकी का छोटा भाई है ना? ये छोटा भाई है। ये किस स्कूल में पढ़ता है? अब तक तो मुखिया के स्कूल में जाता था, लेकिन कल से आपके स्कूल में आ जाएगा। अच्छा अच्छा। अमित जी, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? अरे रश्मि जी, आप? बस ये गाँव देख रहा था। वैसे यहाँ आने से पहले क्या करते थे आप? 2 साल पहले तक तो मैं पकोड़े बेचा करता था। What? हाँ, रांची शहर में एक बस स्टैंड के बगल में पकोड़े की दुकान थी, वहीं पर मैं पकोड़े बेचा करता था। तो मिस्टर पकोड़े बेचते बेचते यहाँ कैसे आ गए? बहुत लंबी कहानी है। फिलहाल मेरे पास तो वक्त ही वक्त है। दरअसल मेरे घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते थे। अच्छा, हमारी लक्ष्मी गाय है, गाय। अच्छा? हमारा अमित भाई किसी बैल से कम नहीं है। क्या कह रहे हैं? अरे मतलब मेहनती है, पता है ये चाहता तो छोटी मोटी नौकरी तो कब का कर लेता, लेकिन नहीं, इसका तो एक ही टारगेट है आईएएस अफसर बनने का, उसी की तैयारी में जी जान से लगा है। हाँ, मुझे तो अभी से इसके चेहरे पर आईएएस अफसर वाली चमक साफ दिख रही है। तो हम आपकी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझें? अरे ये रिश्ता पक्का ही है, बस दान दहेज का थोड़ा प्रॉब्लम ना हुआ तो। अरे भाई साहब, अगर मन जच जाए तो पैसे कौड़ी के लिए रिश्ते नाते थोड़ी टूटते हैं, इसी में आगे पीछे करके एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन साफ साफ बात हो जाती तो? अरे वो भी हो जाएगी, पहले लड़का लड़की एक दूसरे को अच्छी तरह से पसंद तो कर ले। ये भी बात सही है। तो बेटा अमित, तुम होने वाली अपनी धर्म पत्नी को अपना घर दिखाओ, बाकी की बात हम यहाँ कर लेते हैं। बात कर लेना। जाओ बेटा लक्ष्मी। आप जानते हैं, हमारा ना बचपन से एक ही सपना रहा है कि हमारा शादी किसी आईएएस अफसर के साथ ही हो। लेकिन मैं आईएएस अफसर नहीं हूँ। अरे नहीं है तो क्या हुआ, हो तो जाइएगा ना, और इसमें मैं आपका पूरा सपोर्ट करूँगी, आपका चाय नाश्ता खाना पीना कपड़ा लत्ता सब कुछ संभाल लूंगी। बस जब आप अफसर बन जाइएगा ना, तो अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी में हमको रोज घुमाइएगा। वो क्या है ना, लाल बत्ती की गाड़ी में घूमने का मजा ही कुछ और है। एक मिनट, आपको मुझसे शादी करनी है या किसी आईएएस ऑफिसर से? अब आपसे शादी हो जाएगा तो दोनों ही हो जाएगा ना। अब आईएएस अफसर की तैयारी कर रहा है, आप ही बता दीजिए, आपने भी तो कुछ सोच ही रखा होगा। जी भाई साहब, हमने सिर्फ 10 लाख सोचा है, उससे ज्यादा नहीं। ऊपर वाले की दया से सब कुछ है अपने पास, हमें तो इज्जत की पड़ी है, लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों का छोड़िए, अब तो हम आपस के रिश्तेदार हो गए। बाकी बारातियों के आवभगत में कोई कमी नहीं मिलेगी आपको। और एक बात बता दें आपको, हमारी बेटी साक्षात लक्ष्मी है, देखिएगा उसके कदम आपके घर में पड़ते ही दामाद जी का आईएएस का एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। मैं कोई आईएएस तो दूर, किसी क्लर्क के जॉब की भी तैयारी नहीं करता। एक पकौड़ी की दुकान है मेरी,
धंधा अच्छा चलता है, आपको कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ नहीं होगी? अब हम पकौड़े वाले से शादी करेंगे। पापा रुकिए। पापा ये लोग चीटर हैं, चीटर। लड़का कोई आईएएस वाईएएस की तैयारी नहीं कर रहा है, ये पकौड़े बेचता है रोड पर। क्या जी? रोड पे नहीं, दुकान है मेरी बस स्टैंड के बगल में। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, पकौड़ा छाप लड़का को आईएएस ऑफिसर बताकर हमारी बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, इसकी दुकान जरूर है लेकिन ये तैयारी भी कर रहा है। मैं कोई तैयारी वैयारी नहीं कर रहा। अरे तो मुंह में क्या, सबके सामने तुम्हारे दही जमा हुआ था, पहले क्यों नहीं बताया? अरे बताएगा कैसे, इन लोगों ने कहा होगा उसे चुप बैठने के लिए। ये तो अच्छा हुआ कि समय रहते मेरी बेटी ने सारी सच्चाई का पता कर लिया, वरना तो ये बर्बाद हो जाती। अरे बहुत बेशर्म लोग हैं आप लोग, समझे? अब बहुत हो गया तेरा, अब अगर एक शब्द भी मेरे घर वालों के खिलाफ बोला ना तो तेरी जुबान खींच लूंगा। चलिए निकलिए यहाँ से, निकलिए यहाँ से। बेशर्म, कैसे कैसे लोग होते हैं। ऐसा अफसर बनेगा। बेटा तू जहर क्यों नहीं दे देता हम लोगों को? अरे बार बार जलील होने से तो अच्छा है एक बार जहर खा के मर जाए। हद कर दी इस लड़के ने। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप लोग झूठ बोल करके मेरा रिश्ता क्यों करवाना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी खानदानी आदमी एक पकौड़े वाले से अपनी बेटी का शादी नहीं करना चाहता। अब तक कम से कम 10 लोग ठुकरा चुके हैं तुमको। बड़ी मुश्किल से झूठ बोलकर इन लोग से रिश्ता तय किया था, लेकिन तुम्हें हरिश्चंद्र बनना है ना? सही कह रहे तेरे पापा, इनको जहर ही दे दे और अपनी माँ को भी जहर दे दे, इन्हें यूं ही घुट घुट के जीते हुए नहीं देख सकता। अरे पकौड़े बेचकर ईमानदारी से पैसे कमाता हूँ, इसमें शर्म की क्या बात है? अरे इन्हें तो फक्र होना चाहिए, कम से कम तैयारी के नाम पे इन्हें लूट तो नहीं रहा हूँ ना। पहली बार एग्जाम में बैठते हुए मुझे पता चल गया था कि कंपटीशन फेस करके मैं जॉब नहीं पा सकता, और वक्त गवाए बगैर मैंने खुद का बिजनेस खड़ा कर लिया। अरे चाय बेचना, समोसा बेचना, पकौड़ा बेचना, इसे बिजनेस कहते हैं तू? अरे समाज में कहीं खड़े रहने लायक नहीं रह गए हम लोग। क्या फायदा हुआ तुझे पढ़ा के लिखा के इतना? अरे यही सब करना था तो बचपन से किसी हलवाई की दुकान पे बैठ जाता। बेटा हम लोगों की इज्जत का तो ख्याल कर लो। मम्मी झूठ बोलकर इज्जत नहीं कमाई जाती। तो सच बोलकर कौन सी इज्जत कमा ली अब तक? लोग मुंह पर शादी से इनकार कर चल देते हैं। अगर तुम्हें जरा सा भी परवाह है इन लोगों का तो अपनी दुकान बंद कर और कोई नौकरी पकड़ ले। आज के इस कॉम्पिटिशन के दौर में आसान नहीं है मामा जी, और आज किसी कॉम्पिटिशन में बैठने से डरता हूँ तो उसकी असली वजह है आप। ऐसे घूर के क्या देख रहे हैं? वो आप ही है ना जो मेरे हर एक एग्जाम के समय में पर्चा लेके खिड़कियों पे लटका करते थे, अब किसी कंपटीशन में ऐसे क्यों नहीं करते? अच्छा सब मेरी गलती है? अगर उस वक्त आपने नकल से पास करने की आदत नहीं डलवाई होती ना तो शायद एक दो एग्जाम में मैं फेल भी हो गया होता, लेकिन आज असल जिंदगी में कभी फेल नहीं होता मामा जी। ये जब से चार पैसे क्या कमाने लगा, अपने आप को अंबानी समझने लगा है। आप शांत हो जाइए जीजा जी, मुझे इससे बात करने दीजिए। चलो माना उस वक्त मुझसे गलती हुई, लेकिन अब क्या, वक्त गुजर चुका है, दोबारा से मैं पूरी पढ़ाई नहीं कर सकता। क ख ग घ तो याद होगा तुम्हें, या वो भी मेरे चीटिंग से ही लिख के पास हुआ था। तो क ख ग से कौन सी जॉब मिल जाती है? अरे प्राइमरी स्कूल का टीचर तो बन सकता है, उसके लिए भी डिप्लोमा की जरूरत होती है। अरे तो डिप्लोमा कर लेना ना, तुम्हें किसने रोका है? मम्मी आप समझती क्यों नहीं है, आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ, कई लोगों को रोजगार दे रखा है अपनी दुकान पे, और क्या रखा है प्राइमरी स्कूल का टीचर बनने में। मास्टर साहब कहते हैं बेटा, मास्टर साहब, पकौड़े वाला कोई नहीं कहता। आज तुझे फैसला करना ही पड़ेगा, तू अगर हमें जिंदा देखना चाहता है तो अपने मामा की बातों को मान ले, नहीं तो बेटा हमें पकौड़े में जहर डाल के दे दे, हम खा के मर जाना चाहते हैं बस। यदि आप लोगों की यही इच्छा है तो यही सही। तू सही में जहर देने जा रहा है इन लोग को? नहीं, खुद जहर पीने जा रहा हूँ, अच्छी खासी चलती हुई दुकान पर ताला मारकर डिप्लोमा की पढ़ाई पूरी करने की बात कर रहा हूँ। अमित जी, आई एम रियली सॉरी। किस बात के लिए? मैंने आपको बहुत गलत समझा एंड बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया आपको। तो मैंने कौन सा आपके साथ सही ट्रीट किया? ठीक है, फिर लीव इट। अब आप ये बताइए कि नेक्स्ट प्लान क्या है आपका? आप देखते जाइए कल से। बरसों से जो बंद पड़े हैं, धूल भरे दरवाजे खोलो, तकदीरों की गुम है चाबियां, जंग लगे सब ताले तोड़ो। धूप बने हम, छाव बने हम, मिले नई पहचान, पंख नए हैं, नया आस
अब है नई उड़ान। सब कुछ लगता रंग बिरंगा, सब कुछ है बदला बदला सा, मासूमों की आंखों में है एक लम्हा ठहरा ठहरा सा। इस लम्हे ने दे दी हंस कर एक नई पहचान। धूप बने हम, छाव बने हम, मिली नई पहचान। अब है नई उड़ान। बच्चों के पास किताबें नहीं हैं, पढ़ाने में बहुत दिक्कत हो रही है। देखिए सर, हम आपकी समस्या समझते हैं, लेकिन किताबों का पैसा आएगा तभी तो मिलेगा ना सर। गवर्नमेंट के फंड से पैसा तो निकल ही जाता है, देर सवेर किताबें भी आ जाती है, लेकिन समय से किताबें नहीं आने से जो बच्चों का नुकसान होता है उसकी हम भरपाई नहीं कर सकते, इसलिए सर आप प्लीज कुछ कीजिए ना। अरे कैसी बात करते हैं आप। अरे भाई ऊपर से ही पैसा लेट आता है तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। देखिए आप एक काम कीजिए, फिलहाल तो पुरानी किताबों को पढ़ाकर काम चला लीजिए, जैसे फंड आ जाएगा नई किताबें ले लीजिएगा। वो तो सर हम कर ही रहे हैं, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, हमारा समय बर्बाद मत कीजिए आप, और जो कुछ भी बोलना है जल्दी बोलिए। सर वो मिड डे मील का भी पैसा नहीं आया 4 महीने से, हम 2 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, ये देखिए। हाँ तो इसका भी फंड आ जाएगा तो मिल जाएगा, काहे चिंता कर रहे हैं। सर हम बच्चों को ये नहीं कह सकते ना कि जब फंड आ जाएगा तो 4-6 महीने का खाना इकट्ठा खा लेना, उनको तो डेली खाना चाहिए ना। हाँ तो दे दीजिए ना, हमने कब मना किया आपको, आज नहीं तो कल पैसे तो मिल ही जाएंगे ना आपको। सर अब तो दुकानदारों ने भी उधार देना बंद कर दिया है। एक बात बताइए, जब आप लोगों की तनख्वाह नहीं मिलती है तो आप लोगों के घर पर खाना बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना, तो फिर स्कूल को भी अपना घर समझ लीजिए। अरे मैनेज कर लीजिए ना कुछ दिन। सर कब तक मैनेज करें, मैनेज ही तो करते आ रहे हैं, 3 महीने से हमारी भी तनख्वाह नहीं मिली, बहुत परेशानी हो रही है। अरे तो आप क्या चाहते हैं, अपने घर से पैसे ला के दे आपको? नहीं नहीं, बच्चों की सारी जिम्मेदारी तो इन टीचर्स के ऊपर है, आपको तो बस सरकार ने सैलरी देने के लिए बैठा रखा है। ए मैडम तमीज से बात कीजिए आप। आप जानती हैं सरकारी स्कूल के टीचर्स को हर महीने जितनी तनख्वाह मिलती है ना, उतने में आपके इलाके के प्राइवेट स्कूल का पूरे महीने भर का खर्चा निकल जाता होगा। और हाँ, अगर आप एडॉप में अपॉइंट हुई होंगी तो भी आपके आधे से भी कम पेमेंट में पढ़ाने वाले प्राइवेट स्कूल के टीचर्स आप लोगों से कई गुना ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं, ये बात भी आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। अरे हम तो आप लोगों को अपने सिस्टम का हिस्सा समझकर छोड़ते जाते हैं, और आप लोग हैं कि राशन पानी लेकर हमरे ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। वो तो हम करेंगे ही, क्योंकि यही तो हमारा ड्यूटी। क्या मैं कुछ समझा नहीं सर? वी आर फ्रॉम NI न्यूज, शी इज रश्मि हजारिका रिपोर्टिंग विद कैमरामैन जॉन लोबो। NI न्यूज। हाँ, और अगर बच्चों के किताबों का पैसा और यहाँ तक कि मिड डे मील का पैसा सही समय पर नहीं मिल पा रहा और फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आप इन्हें लिखकर दे दीजिए कि आप कुछ नहीं कर सकते, या तो फिर आप हमारे कैमरे पे ही बोल दीजिए। जॉन कैमरा निकालो। एक मिनट प्लीज रुके रुके। सर आप मुझे आपके एप्लीकेशन दे दीजिए, आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं मैं कुछ करता हूँ, दे दीजिए मुझे, दीजिए ये लीजिए, दीजिए मुझे। ठीक है, मैं बात करता हूँ। अब है नई उड़ान। इतना डिटेल में बात करने की क्या जरूरत है महेंद्र बाबू, हम आपको जानते हैं ना। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं वो इस समय व्यस्त हैं। आपकी बात को काट के पार्टी को अपना नुकसान थोड़ी करना है,
है ना? दूसरी बात ही अच्छा सुनिए ना, हमारा एक जरूरी फोन आ रहा है, हम आपसे बाद में बात करते हैं, है ना? आप ना बस जीजा जी अपने पार्टी पॉलिटिक्स में ही लगे रहिए, और इस सरकारी स्कूल में इन लफंगे बच्चों को संभालते संभालते हमारी जान ही चली जाएगी एक दिन, देख लीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ देर और संभालो, हम कुछ करते हैं। और सुनो, मिठाई बांटने के बहाने हम स्कूल आ रहे हैं ना, तो वहां के हम आपसे बात करेंगे, ठीक है? मैडम वो गुलवा किसको पढ़ने नहीं दे रहे क्लास में। अरे तो क्या करें हम? बाबा रे बाबा। गांव अपना, घर अपना, बच्चे भी अपने, फिर विद्यालय क्यों ना हो। वाह मास्टर जी, ये पूरे स्कूल का तो नक्शा ही बदल दिया आपने जी। हाँ ला भाई, मुंह मीठा करो, मास्टर जी को खिलाओ मिठाई। बहुत बढ़िया किया ये सब आपने, है ना जी। मैं खा लूंगा, थैंक यू। अरे थैंक यू मैं खा लूंगा। अच्छा मास्टर जी कहाँ है वो आपकी मैडम साहबा? जी सब अंदर ही हैं। अच्छा, अरे वाह। नमस्ते जी। नमस्ते। ला भाई, मैडम का मुंह तो हम ही मीठा करेंगे। बनता है भैया, लीजिए। अरे मैडम मुंह मीठा करिए, खा लीजिए, शाबाश। वाह लड्डू तो खा लिया आपने, हमको पूछा तक नहीं किस खुशी में हमने आपको खिलाया। किस खुशी में? विधायक बनने वाले हैं, है ना? कांग्रेचुलेशंस। इतने से काम नहीं चलेगा मैडम, हमारे चुनाव प्रचार में रिपोर्टिंग करने के लिए आपको आना होगा। आएंगी ना? जरूर। क्या बोला आपने? जरूर आएंगे हम। जरूर आएगी मैडम, अब तो हमारी जीत पक्की है ना मास्टर जी? ये विधायक का टिकट फाइनल होने की खुशी में शाम को पार्टी रखिए, हाँ? आ जाइए सब लोग। आना ही पड़ेगा। चले? ठीक है। चले मैडम। मुखिया के पार्टी में आप लोगों को भी बुलाया था जी, पर आप लोग गए क्यों नहीं? अरे हमें क्या करना है उन गुंडे मवालियों की पार्टी में जा करके? मानना पड़ेगा सर, मुखिया के साथ दुश्मनी लेनी सबके बस की बात नहीं है। असल में हमारा डर ही उनकी ताकत होती है राय साहब, हम डरना छोड़ दें वो डराना छोड़ देंगे। आप सही कह रहे हैं, सही बात है जी। तो सर आप उन लफंगों से डरना कब छोड़ रहे हैं जी? सर ये पिंकी को रास्ते में तंग करने वाले गुंडों की बात कर रही है, है ना जी? आप उनसे डर के अपनी बच्ची का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। आप मेरी भी मजबूरी समझिए, इसका बाप जो है ना देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़ा है, और इसकी रक्षा के लिए ना सारी जिम्मेदारी हम जैसे हार्ट पेशेंट की है। अब इस बुढ़ापे में हम कैसे लड़ेंगे उनसे? आपको लड़ने की कोई जरूरत नहीं, आप बस उन लड़कों का नाम दे दीजिए, मैं उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती हूँ। रिपोर्ट लिखवाने के बाद? कुछ नहीं होगा सर, यदि ये रिपोर्ट करेंगी तो पुलिस वालों पे भी प्रेशर बना रहेगा जी। आप टेंशन मत लीजिए, बस उन लड़कों का नाम मुझे दीजिए और पिंकी को स्कूल भेजने की तैयारी कीजिए। डोंट वरी सर। भैया एक बात बताएं, बुरा मत मानिएगा, आप विधायक बनने के चक्कर में ना अपना सारा इज्जत मटिया पलीत कर ले रहे हैं। क्या है हेमो? नेतागिरी में ऐसा ही होता है सारा। चुनाव के 4-5 महीने पहले हम लोग सारे दुनिया के सामने यूं ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, चुनाव के बाद 4-5 साल तक दुनिया हमारे सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहती है।
ये जो कॉलर वालर टाइट करने की जो बात कर रहे हैं, तो अगर इसमें हम लोग अटक गए जमानत तक जब्त हो जाएगी हमारे। वैसे भी आप ही गए थे ना सबको बुलाने के लिए, आ जाओ आ जाओ। हाँ। लेकिन आया कौनो नहीं। वो लोगों के आने ना आने से हमको क्या फर्क पड़ता है। यही तो बात है ना का? कि आपको फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। आपको तो इतना भी नहीं पता है कि अपने स्कूल के सारे बच्चे धीरे 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 करके सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। बात का वजह है ना, कहा है उसका नाम सला रिपोर्टर, एक बार ये अपना गांव छोड़कर उसको जाने दे। हम तुम्हें कहते जितने गए ना बच्चे सब स्कूल छोड़कर सब वापस आएंगे, लिख के देता हूं। यही तो बात है ना भैया, आप खाली बातों से अपना कॉलर टाइट करके घूम रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, लेकिन हम चुपचाप नहीं बैठेंगे किसी भी कीमत पर। तो कुछ नहीं करेगा, कम से कम इलेक्शन की ये जो 4-5 महीने है ना, कुछ नहीं करेगा तू। समझ गया भैया। जॉन बता रहा था कि कल आप लोग जा रहे हैं। जी, ऑफिस से फोन आया था, कल हमको निकलना ही पड़ेगा। और वैसे भी आप तो अपना चैलेंज जीत ही चुके हो। मुझे कभी हार जीत की पड़ी नहीं थी रश्मि जी, लेकिन हाँ स्कूल में बदलाव जरूर लाना था, और वो आपके बगैर बहुत ही मुश्किल था। जो भी हो, आप खुश तो हो ना? हाँ, लेकिन आप इतने दिन साथ रही तो आपके जाने के बाद। मेरे जाने के बाद क्या? कुछ नहीं। कुछ अनकही सी बात है हमसे कही जाए ना, कुछ है वजह जो इश्क का इजहार हो पाए ना। कुछ अजनबी एहसास है जो दिल ये रह पाए ना, हम दो किनारे हमारे दरमियाँ, मीलों की है ये दूरी। पल को तेरा साथ मिला तो जैसे खुदा की रहमत हुई। पाली तुझे ये अरमान ऐसा, जैसे हो पूरी हसरत कोई। हर ख्वाब पे रंग चढ़ता नहीं है, मैं बिन तुम्हारे हुसून आसमां, उड़ते परिंदे ना जहां। कोई न जाने हमारा कारवां, ले जाए पल करते हैं मास्टर जी। जिस चिड़िया के चक्कर में आप कौवे की तरह कांव कांव कर रहे थे, वो चिड़िया तो आज होगी, कल क्या होगा मास्टर जी आपका? हमें धमका रहे हैं ना भाई,
समझा रहे हैं। जो हमारा स्कूल है ना, वो बहुत है खून पसीना के कमाई से बनाया हुआ है। उसको नुकसान पहुंचाएंगे ना तो बर्दाश्त नहीं होगा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। अबे चुप सरवा। जब ये गांव का बच्चा लोग पढ़ाई के लिए तरस रहा था तो हमने स्कूल बनवाया। अब उनको शिक्षा भी अच्छी मिल रही, तब काहे उंगली कर रहे हैं भाई साहब हैं? अरे माना कि आपने स्कूल में सुधार किया है, लेकिन इसका मतलब ही थोड़ी है हमारा स्कूल का बच्चा खींच लेंगे हैं? सरकारी नौकर है ना आप भैया, सरकारी नौकर है ना, तो चाहे एक बच्चा को पढ़ाइए चाहे 100 बच्चा को, सरकार आपको तनख्वाह उतना ही देगी, समझ रहे हैं ना? देखिए मिस्टर, मैंने कुछ नहीं किया। बच्चे अपने घर वालों की मर्जी से आपका स्कूल छोड़कर यहाँ आ रहे हैं, इसमें मेरी क्या गलती है? अरे विद्या के मंदिर को व्यापार का अड्डा बना दिया है आप लोगों ने। सेवा में श्रीमान आचार्य महोदय, सविनय निवेदन यह है कि प्रार्थी के स्कूल से आप ये जितने बच्चे लेकर आए हैं उन्हें वापस कर दीजिए, वरना प्रार्थी आपको बीच चौराहे पर खड़ा करके इतने डंडे मारेगा, इतने डंडे मारेगा, इतने डंडे। प्रणाम। चल बे। जी मैं अब चलती हूँ, नमस्ते। जो जो बच्चे प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं आए हैं वो लाइन से बाहर निकलिए, जल्दी बाहर निकलिए। देख रहे हैं भैया, पहली से पांचवी तक के बच्चे लगभग आधे ही रह गए। अरे क्या होता भैया, या तो आप कुछ कीजिए या हमको करने दीजिए, वरना हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे ना तो स्कूल पे ताला मारना पड़ जाएगा एक दिन। ऐसा कुछ नहीं होगा भैया, आप समझ नहीं रहे। समझ तो तुम नहीं रहे हो, इलेक्शन हमारे सर पर है। वो जो है ना साला मास्टर, वो पूरे गांव वालों के लिए हीरो बन बैठा हुआ है। अभी उसके खिलाफ हम कुछ करने की कोशिश करेंगे ना तो पूरे चुनाव का, समझ गए? कभी तो हमारे दिमाग से सोचा करो ना मेरे भाई। आजा। अरे भैया चुनाव चुनाव के चक्कर में हमारा बंटा धार हो जाएगा एक दिन। सर प्रणाम। क्या हुआ सर, न्यूज वाली मैडम की याद आ रही है का? अरे नहीं बस ऐसे ही। अच्छा बच्चों का खाना हो गया? बच्चों का खाना तो हम बना देंगे, बात को मत पलटिए। एक बात बोलें? हाँ बोलो। लगता है आप उनको लाइक करने लगे हैं। अरे नहीं, कहाँ वो और कहाँ मैं। अरे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, दिल तो बच्चा होता है, उसको थोड़ी पता है दुनियादारी। एक बात बोलें? हाँ बोलो। बोल दें? हाँ हाँ बोल दो। वो मैडम भी आपको लाइक करने लगी है। अरे नहीं यार, तुम भी ना कुछ भी बोलते रहते हो। देखिए फोन बज रहा है, उन्हीं का फोन होगा। देखिए आप चेक कीजिए, अंतर्यामी हैं हम। देखे सुनो, एक काम करो तुम, देखो ना बाहर बच्चों के लंच का टाइम खत्म हो रहा है, तुम चलो मैं आता हूँ। अपना ही समझिए हमको। अरे हम अपना ही समझते हैं, तुम चलो। ठीक, चलो ठीक है। हेलो, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ, बहुत मिस करती हूँ आप लोगों को। मैं भी बहुत मिस करता हूँ आप लोगों को। अच्छा अब एक काम की खबर सुनिए, आज रात 8 बजे NI न्यूज़ देखना मत भूलिएगा। क्यों, स्कूल वाला रिपोर्ट आने वाला है क्या? हाँ लेकिन कुछ खास है उसमें, देखना मत भूलिएगा और सबको देखने के लिए बोल दीजिएगा, ठीक है? जी जरूर। बाय बाय। नमस्कार, मैं रश्मि हजारिका, आप सबके सामने एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जिसके बारे में सुनकर भी आप हैरान रह जाएंगे। ये कहानी है एक ऐसे प्राइमरी स्कूल टीचर की जो कभी पकोड़े बेचा करता था, लेकिन जब वो रामगढ़ के एक छोटे से गांव पोचरा में टीचर बनकर आता है। सही में पहले पकोड़े बेचते थे? जी। आपने कभी बताया नहीं? आपने कभी पूछा नहीं? चलिए अब हम न्यूज़ सुन लें। सुनोगी? ऑन करूं? हाँ।
एकदम बदहाल पोचरा के सरकारी प्राथमिक विद्यालय को उन्होंने अपने इच्छा शक्ति और मेहनत के बल पर बदलकर एक आदर्श स्कूल कहलाने के लायक बना दिया। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। उसे उस गांव के मुखिया गजराज सिंह से सीधे टक्कर लेना पड़ा। उसकी और उसके भाई की धमकियां भी सुननी पड़ी, लेकिन वो डरा नहीं और मात्र 15 दिनों में उस स्कूल को बदल कर एक आदर्श स्कूल बना दिया। अरे, कहो। हेलो। हेलो। अरे सर, आप तो हीरो बन गए, अब मुझे भूल तो नहीं जाओगे? आपको पता है आपने क्या किया है? क्या किया है? इस रिपोर्ट के बाद उस मुखिया के इलेक्शन लड़ने पर भी सवाल उठ खड़े होंगे। तो होने दीजिए ना। आप क्या चाहते हैं कि उस मुखिया जैसे लोग एमएलए बनकर आए? उसके एमएलए बनने ना बनने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस रिपोर्ट के बाद वो हमारा जीना हराम कर देगा। तो आप डर गए उससे? हाँ, डर गया। क्योंकि हम मुखिया जैसे लोगों से बेवजह लड़ाई करने नहीं आए, हम यहाँ बच्चे पढ़ाने आए। अपनी कायरता छुपाने का अच्छा बहाना है। आपको जो समझना है आप समझिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो आपने किया है ना, वो ठीक नहीं किया। हाँ तो ठीक है, आज के बाद मुझे कभी फोन मत कीजिएगा। जी महेंद्र बाबू। आज का पेपर पढ़ा? पढ़ लिया, लेकिन टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर से ऑर्डर आया है आपका टिकट कैंसिल करने के लिए। क्या? जी हाँ, अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए। लेकिन महेंद्र बाबू, ये जो भी कुछ हुआ ये गलत हुआ है। टिकट तो समझिए अब आपके हाथ से गई। आप पर पूरा भरोसा है? बात को समझने की कोशिश करिए। कहने का मतलब ये है हमारा कि आप कुछ करेंगे ना? तो बात को समझने की कोशिश करिए मुखिया जी। बहुत सारे लोग थे, हमने बहुत कोशिश करके आपको टिकट दिलाया, और अब तो पार्टी वाले भी मेरी नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनके लिए भी इमेज की बात है। आपके भाई ने स्कूल मास्टर को खुलेआम धमकी दी थी, उसके बारे में आपको क्या कहना है? क्या कहे? नाक कटा दी इसने हमरी और हमारे पूरे खानदान की। कहा नहीं कि हमारे खानदान स्कूल के लिए? बताइए आप जानते ना, सब लोग जमीन तक दान देती तब जाके स्कूल खुला था, याद है ना सबको? काहे? इसीलिए ना, यहाँ के जितने भी सारे बच्चे वो अच्छी तरीके से पढ़ाई करे, वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, यही तो ना, बच्चों का भविष्य हम बेहतरीन देख सके, इसलिए तो हमने किया ना। तो फिर जब स्कूल की हालत सुधर रही थी, ये धमकी किस बात की दे रहे थे? अभी हमको काहे पूछ रहे, इससे पूछिए ना। आप बताइए किस बारे में आप मास्टर को धमका रहे थे? हम धमका नहीं रहे थे, गुस्सा आ गया। गुस्सा? काहे का गुस्सा? बहुत गुस्सा था तेरे को, बहुत गुस्सा आता है ना। वहाँ जेल में जब चक्की पीसोगे ना तो होश ठिकाने पे आ जाएंगे तुम्हारे। भैया क्या क्या कर मारूंगा। अरे मुखिया जी, अरे मुखिया जी बैठिए। गिरफ्तार करो इसको, सरेआम गुंडागर्दी करके हमारी इज्जत उतरने पे तुला हुआ है ना, करो गिरफ्तार इसको। अरे मुखिया जी, मगर किया कहा है? अखबार पढ़ते नहीं, टीवी देखते नहीं का? हमारे स्कूल के मास्टर, उनको धमकी दी इसने। मुखिया जी, एक धमकी के चक्कर में हम अरेस्ट नहीं कर सकते। बाहर जाके बड़ा कांड करके आए तभी इसको गिरफ्तार कीजिएगा। अरे ऐसा नहीं है मुखिया जी। तो जब तक इसके खिलाफ कोई हमारे यहाँ रपट दर्ज ना कराएगा, तब तक हम इसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। हम कर रहे, लिख लो, हम कर रहे हैं ना, लिखिए। अरे मुखिया जी, आप इतने समझदार हैं, अरे आपके नाम की कंप्लेंट पर हम इसको कहाँ अरेस्ट करेंगे? तो आप एक काम करो, वो मास्टर का नंबर हमको दो, हम उनका कॉल करके अभी यहाँ बुलाते हैं। अमित जी प्लीज एक मिनट, अमित जी एक मिनट प्लीज। आइए मास्टर जी। सर नमस्कार। नमस्कार, मैं अमित। आपने फोन किया था? आइए ना बैठिए, उठ उठ, आइए बैठिए।
कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ। बताइए सर, ये तुमको धमकाए हैं का? हाँ, लेकिन वो तो बस वैसी खोखली धमकी थी। उसके बाद मेरी और इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, इसलिए मैं कोई कंप्लेंट नहीं करना चाहता। देखो मास्टर जी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। और मुखिया जी तो हैं ही आपके साथ फिर? जी, ये तो इनका बड़प्पन है। वैसे सर, मैं कोई कंप्लेंट नहीं करना चाहता। तो फिर ठीक है, जाओ। अरे मुखिया जी, जब आपके भाई के खिलाफ कोनो कंप्लेंट नहीं है तो हम ही का काय को अरेस्ट करें? तो आप ले जाओ अपने भाई को। ठीक है सर, फिर चलते हैं। अरे अमित बाबू। जी कुछ नहीं, धन्यवाद। इलेक्शन से पहले हमारे इमेज को खराब करने की यह सब चाल है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन क्या है कि जो सच होता है वो एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है, और आ ही गया ना अब सामने। लेकिन अमित बाबू, आपने और मास्टर जी ने हमारे स्कूल के लिए जो भी कुछ किया है जी, आप दोनों के हम आभार मानते हैं। सर, तुम्हारा मुंह क्यों ऐसा बना हुआ है? तका करें ऐसा हाल में नाचे का? कहा हुआ तुरे हाल को? हमारे मना करने के बाद भी जिस तरह से तुमने कांड किया, उससे तो हमारा मुंह बनना चाहिए था। तो जूते से मार लेते फिर, मारे ना मीडिया वालों के सामने एक थप्पड़। अरे जी भर के जूते से मार लेते और इज्जत कबाड़ा कर देते हमारा। बेटा, इज्जत उसी का होता है जिसके पास पावर होता है, समझ गए? एक बार विधायक बन गए तो बाद में तुम्हारा पावर का होगा, ये सोच लो जरा अच्छे से। तब तक के लिए इसे हाथ पे हाथ रख के बैठे का? अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। काय की तैयारी भैया? भरोसा है ना, तो अब शांत बैठ जाओ। मैंने आपको कितनी बार बोला मुझे फोन मत कीजिए प्लीज। ओ यारा, राज दिल के मेरे होने लगे निगाहों से बयां, मेरी राहों में करके सुबह, मेरे ख्वाबों में भर के दुआ, मुझको यूं खुद से करके जुदा तू गई। बहते पानी सा ये लम्हा है, लेकिन ये पल यहीं पे ठहरा है। टूटा उम्मीदों का आसमां, छूटा जो तुझसे राबता, जर्द है सारी फिजा साथिया। अब तो ख्यालों का काफिला ले जाए मुझको तू जहां, छूटेगा जाने कब सिलसिला याद का। सब हसरतें हैं जैसे धुआं, तन्हा हुआ है मेरा जिया, अनजाने में जो मुझसे खता हो गई। बहते पानी सा ये लम्हा है, लेकिन ये पल यहीं पे ठहरा है। बहते पानी सा ये लम्हा है, लेकिन ये पल यहीं पे ठहरा है। तुम कौर दें सर? पता नहीं क्यों आज तो अजीब सा लग रहा है। अजीब सा लग रहा है? हाँ सर, कुछ खाने में गड़बड़ लग रही है। खाने में गड़बड़ लग रही है? कहा गड़बड़ लग रही है? आपने तो खाना टेस्ट किया है ना? हाँ। कोनो गड़बड़ लगा खाने में? नहीं। यहाँ से बनाते हैं,
खाना, खून पसीना एक करके बहुत प्रेम से खिलाते हैं इन लोगों को खाना। आप बोला खाना में कोनो टेस्ट ही नहीं है, अपने बच्चे की तरह खाना खिलाते हम इन लोगों को। देखो खाना मैंने खुद टेस्ट किया है, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए नाटक नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है तुम लोग खाना खाओ और दूसरे बच्चों को भी खाना खाने दो, और हाँ खाना कोई बर्बाद नहीं करेगा। आप सबको मेरा प्रणाम। आज कुछ कहने आए हम यहाँ। आपको ये पता होगा कि अपने पंचायत में हम 4 बार मुखिया रह चुके हैं। एक मुखिया होने के नाते हमें जितना काम करना था आप लोगों के लिए, उतना काम हमने कर दिखाया है। सर, सर बच्चा लोग को क्या हुआ? बच्चों को कुछ हो रहा है सर। अरे ये क्या हो रहा है? हमको जीजा जी को फोन करना चाहिए, वही कुछ करेंगे। लेकिन शायद आप लोगों को ये पता नहीं है कि मुखिया ये जो पद है ये बहुत ही। स्कूल से पुनीता का फोन आ रहा है बार बार। हम क्या कर रहे देख रहे हो ना? अरे स्कूल में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। चालू है। क्या प्रॉब्लम है? आप चिंता मत करो, हम अभी आते हैं। गाड़ी निकल जा, चल। आप लोगों से माफी मांगते हैं। अभी अभी बहुत ही बुरा समाचार आया है, हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं वो मिड डे मील खाते ही बीमार पड़ गए हैं। रैली छोड़कर हम जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन रैली से ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हमें कुछ है तो हमारे स्कूल के बच्चों की जान है। आप लोगों से विनती है कि जिन जिन लोगों के पास गाड़ियां है वो हमारे साथ चले, ताकि उन बच्चों को अस्पताल ले जाने में आपकी मदद हो जाएगी। विनती कर रहे हैं। देखिए आओ मेरे साथ। देखिए हम सही कह रहे हैं कि हम कोनो गड़बड़ी नहीं किया खाना बनाने में। आप पूछ लीजिए अमित जी से, अमित जी भी तो खाना खाए। हाँ मैंने खुद ही टेस्ट किया था, खाने में कोई दिक्कत नहीं थी। और अगर कुछ गड़बड़ी होता तो इन पर असर नहीं होता क्या? आप ही बताइए ना, बताइए कैसे असर होगा अगर इन्होंने सब कुछ किया है तो। क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहे हैं हम, बच्चों के खाने में इन्होंने कुछ मिलाया था। ये झूठ है, आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अरे झूठ और सच का फैसला तो अदालत में होगा, फिलहाल तो इस केस के प्राइम सस्पेक्ट आप हो। भोला ने हमें सब कुछ बता दिया है। क्या क्या बता दिया इसने? सब कुछ क्या बताया? अरे मास्टर जी आप काहे को टेंशन ले रहे हैं, अगर ये सही होगा तो आ जाएगा वापस। चलो हेलो। हेलो हाँ पिंकी, क्या हाल है? कुछ भी ठीक नहीं है दीदी। आप यहाँ क्यों आई है? क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरी गलती का नतीजा है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ मैं सब ठीक कर दूंगी। अब कुछ ठीक नहीं हो पाएगा, पता नहीं क्यों सारे सबूत मेरे ही खिलाफ निकले हैं, मैं खुद ही सोचकर हैरान हूँ। इसका मतलब
आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। बात भरोसे की नहीं है रश्मि जी, अदालत सबूत और गवाह मानती है जो सब मेरे खिलाफ है। आप मीडिया में कितना भी शोर शराबा मचा लीजिए, लेकिन जो ये मेरे माथे पे कलंक लगा है इसको धो पाना अब संभव नहीं है। आपको किसने बताया कि मैं यहाँ मीडिया रिपोर्टिंग करने आई हूँ? आई एम एडवोकेट रश्मि हजारिका, डिफेंस लॉयर फ्रॉम योर साइड। लीजिए पेपर पर साइन कर दीजिए। आप लॉयर भी हैं? हाँ, LLB की पढ़ाई के बाद 2 साल तक एक सीनियर एडवोकेट के अंडर काम भी किया था। योर ऑनर, अपने 25 साल के वकालत के पेशे में मैंने ऐसा ओपन और शट केस नहीं देखा। जज साहब, केस बहुत सिंपल है। कटघरे में खड़े ये मुल्जिम, ये पागल है, ये साइकिक है योर ऑनर। जरा जरा सी बात पर ये तुनक जाता है, अपना आपा खो देता है, और इसी साइकिकनेस की वजह से इसने बच्चों के खाने में जहर मिलाया, जिससे 88 बच्चे बीमार पड़ गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। 6 बच्चों की जान जाते जाते बच गई, मगर 2 मासूमों की जान चली गई योर ऑनर। योर ऑनर, ये रहा हॉस्पिटल का रिपोर्ट जिसमें साफ साफ लिखा है। योर ऑनर, ये देखिए, ये है वो जहर की शीशी जिसका जहर बच्चों के खाने में मिलाया गया था। तलाशी के दौरान पुलिस को मुल्जिम के बैग से मिला। योर ऑनर, इस शीशी में पाए गए केमिकल का ये रिपोर्ट है योर ऑनर। इसमें साफ साफ लिखा है इसी शीशी के जहर को बच्चों के खाने में मिलाया गया था जिसे बच्चों ने खाया था। अरे कैसी वकील रखे हैं आप लोग, ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। डोंट वरी, ये अभी तो कुछ नहीं बोल रही, लेकिन जब बोलना स्टार्ट करेगी ना तो देखना सबका बोलते बंद हो जाए। लेकिन कब? जज साहब फैसला सुना देंगे तब। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। योर ऑनर, ये सच है कि उस शीशी में जो जहर है वो वही जहर है जो बच्चों के मिड डे मील में मिलाया गया था, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उस शीशी में किसी के भी फिंगरप्रिंट्स का निशान नहीं मिला। काफी चालाकी से फिंगरप्रिंट्स मिटाए गए और मेरे क्लाइंट को फंसाने की साजिश की गई, और वो जहर की शीशी इनके बैग में डाल दी गई। बैग में डाल दिया गया? ऐसा कौन कर सकता है? मैं किसी का नाम तब तक नहीं लेना चाहूंगी जब तक कि उनके खिलाफ मेरे पास कोई पुख्ता सबूत ना हो। फिलहाल तो आपके क्लाइंट के खिलाफ सारे सबूत हैं, वकील साहिबा। कौन से सबूत? वो जहर की शीशी? जी हाँ, जहर की शीशी, वो एक अहम सबूत है। त्रिपाठी जी, आप इतने जाने माने वकील हैं, लेकिन आप इतने मैच्योर कैसे हो सकते हैं? सोचने वाली बात है योर ऑनर, अगर मेरे क्लाइंट ने जहर मिलाने का काम किया होता तो फिंगरप्रिंट मिटाने के बाद वो उस शीशी को कहीं भी फेंक सकते थे। वो अपने बैग में वो शीशी क्यों रखते? मतलब साफ है योर ऑनर, इनको फंसाने की गहरी साजिश की जा रही है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ बोलूं? योर ऑनर, मुल्जिम साइकिक है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये बार बार मेरे क्लाइंट को साइकिक बोल रहे हैं। क्योंकि ये साइकिक है योर ऑनर, और मैं अदालत में साबित कर सकता हूँ। तो साबित कीजिए ना, अदालत का वक्त खामोखा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? यस योर ऑनर, मैं अदालत में कुछ गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? मेरे पहले गवाह हैं हेडमास्टर दीनानाथ। हेडमास्टर दीनानाथ जी, आप एक बात बताइए, क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मुल्जिम अमित पागल किस्म का आदमी है? देखिए,
शुरू शुरू में तो लगा, लेकिन लेकिन वकीन कुछ नहीं लगा था, लगा था योर ऑनर, हेडमास्टर दीनानाथ को लगा था कि मुलजिम अमित पागल किस्म का आदमी है। पॉइंट टू बी नोटेड। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर मिस्टर त्रिपाठी गवाह को अपनी बात पूरी करने से रोक रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन, गवाह को अपनी बात पूरी करने का मौका दिया जाता है। यस योर ऑनर। थैंक्स माय लॉर्ड। यू मे प्रोसीड। हाँ तो हेडमास्टर साहब बताइए। देखिए, जब ये स्कूल में आए उस वक्त स्कूल की हालत बहुत खराब थी, सिर्फ 20-25 बच्चे स्कूल आया करते थे, उसमें से भी कुछ बच्चे तो मिड डे मील खाकर भाग जाया करते थे। जब ये आए तो इन्होंने कहा कि स्कूल की हालत पर कुछ काम किया जाए, उसको सुधारा जाए, तब मैंने समझा कि ये किस तरह का पागलपन है। लेकिन वाकई जो इन्होंने कमाल दिखाया उससे आज स्कूल में तकरीबन 150 बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए आया करते हैं। योर ऑनर, मैं चाहूंगी कि आप इन तस्वीरों को देखें। इसमें साफ दिखता है कि स्कूल की हालत पहले क्या थी और अब क्या है। प्लीज। इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लगता है कि स्कूल की हालत पूरी तरह बदल चुकी है। जी हाँ योर ऑनर, और ये कमाल कर दिखाया है मेरे क्लाइंट ने, जिन्हें हाथ साइकिक, मर्डरर और न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। योर ऑनर, ये जो कुछ बदलाव हुआ है उस बदलाव में मुलजिम से ज्यादा स्कूल के बच्चों का योगदान है। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? जी। योगदान नहीं, शोषण कहिए, शोषण शब्द प्रयुक्त है, एक्सप्लॉटेशन। योर ऑनर, बच्चे जब सुबह सुबह स्कूल आते उनसे स्कूल की साफ सफाई करवाना, दिन भर जब वो पढ़ाई करके मानसिक रूप से थक जाते हैं तो उन्हें घर जाने से रोककर उन मासूमों से मजदूरों की तरह काम करवाना, ये शोषण नहीं तो और क्या है योर ऑनर? I object my lord, किसी भी बच्चे के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं हुई थी, मैं खुद एज ए रिपोर्टर वहां मौजूद थी। योर ऑनर, वकील साहिबा स्वयं मुलजिम अमित के साथ उन बच्चों का शोषण करने में सहयोग दे रही थी, और मैं ये अदालत में साबित कर सकता हूँ योर ऑनर। हाँ तो हेडमास्टर दीनानाथ जी, क्या यह सच है कि स्कूल की साफ सफाई स्कूल के बच्चे ही करते थे? जी हाँ, बच्चे करते थे, बच्चों के साथ हम लोग भी करते थे, और खास तौर पर अमित। कौन क्या करता था ये सवाल नहीं है, सवाल सीधा है कि क्या बच्चे साफ सफाई करते थे? जी हाँ करते थे। योर ऑनर, इनके स्कूल और इनके जैसे लगभग सारे प्राइमरी स्कूलों में साफ सफाई के लिए किसी भी स्वीपर और प्यून की नियुक्ति नहीं है। इसके बाद बस तीन ही ऑप्शंस बचते हैं। पहला, या तो स्कूल को ऐसे ही गंदा छोड़ दिया जाए। दूसरा, टीचर खुद आकर पहले पूरी स्कूल की साफ सफाई करे और उसके बाद पढ़ाना शुरू करे। या तीसरा, बच्चे मिलकर स्कूल की साफ सफाई करे। इनके स्कूल में बच्चे ही नहीं टीचर भी मिलकर सुबह साफ सफाई करते हैं, तो ऐसे में इनका स्कूल तो आइडियल स्कूल में काउंट होता है जज साहब। आइडियल स्कूल? ओहो, तो आइडियल स्कूल में बच्चों से साफ सफाई करवाया जाता है। वाह, अगर आइडियल स्कूल में ये होता है तो योर ऑनर, मैं तो अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में कभी ना डालूं। आप डालेंगे जज साहब? इस केस का इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना है योर ऑनर, लेना देना है। जब हम और आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में नहीं डाल सकते तो फिर ये आइडियल स्कूल कैसे हुआ? मैं बताती हूँ योर ऑनर, हम सबके घरों में बच्चे हैं और बच्चे घर में छोटे मोटे कामों में हमारा हाथ भी बटाते हैं। ये एक संस्कार है जो बच्चों को बचपन में दिए जाते हैं। लेकिन अगर यही संस्कार एक स्कूल में दिखते हैं तो मिस्टर त्रिपाठी जैसे लोग उसको शोषण का नाम देते हैं। योर ऑनर, बच्चों से मजदूरों वाला काम करवाना संस्कार है? हाँ है, अगर बच्चों के साथ खुद मिलकर काम किया जाए तो। इससे बच्चों को नैतिक शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। योर ऑनर, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986
14 साल से कम उम्र के बच्चों से आप किसी तरह का काम नहीं करवा सकते और इन्होंने काम करवाया। हाँ तो हेडमास्टर दीनानाथ जी, आपने बताया कि ये जो शख्स कटघरे में खड़ा है, ये पहले आपको पागल लगा, फिर आपको पागल नहीं लगा, लेकिन जहां तक मुझे पता है कुछ दिनों से आपको भी इनके बिहेवियर में चेंजेस नजर आ रहे थे और आपने शायद वार्न भी किया था। जी नहीं, वार्न नहीं किया, मैंने इन्हें समझाया था। क्यों? क्योंकि कुछ दिनों से चिड़चिड़े हो रहे थे। चिड़चिड़े हो रहे थे? बच्चों से मारपीट कर रहे थे? जी नहीं। चंदन और गुल्लू नाम के बच्चे पुलिस को बयान दे चुके हैं कि इनके मारपीट के कारण उन बच्चों को चोट आई? जिन बच्चों के आपने नाम लिए वो निहायत ही शरारती बच्चे हैं। शरारती बच्चे? जी। बच्चों के शरारत के कारण आपको आजादी मिल जाती है कि आप बच्चों के साथ मारपीट करें? एक आध थप्पड़ जज्बात में आके मार दिया तो क्या करें? एक आध थप्पड़? जी। दीनानाथ जी, आपकी उम्र क्या है? 58 साल। 58 साल? शायद बढ़ती उम्र के कारण आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। खैर, मैं आपको याद दिलाता हूं, चंदन के सिर से खून भी निकला था इनके मारपीट करने की वजह से। जी नहीं, वो एक हादसा था, क्योंकि उन्होंने उस बच्चे को मारने के लिए उन्होंने हाथ उठाया, बच्चे ने अपने आप को बचाने के लिए सर पीछे किया, तो इत्तेफाकन खिड़की खुली हुई थी, उसका पल्ला बाहर की तरफ था, उसे सर टकराया और चोट लग गई, बस इतनी सी बात है। खून निकला था? खून निकला था या नहीं? जी हाँ निकला था, मैंने बताया आपको। अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, अब हमारे दूसरे गवाह हैं स्कूल की रसोईया मिश्री। प्रणाम सर। हाँ तो मिश्री जी, आप पिछले 4 सालों से स्कूल में मिड डे मील का खाना बना रहे हैं। हाँ, जी हाँ। आपसे पहले ऐसा कभी हुआ कि आपके हाथ का खाना बनाया खा के बच्चे बीमार पड़े हों? जी नहीं, कभी नहीं। फिर उस दिन ऐसा हादसा कैसे हो गया? वो तो हम लोग को खुद ही नहीं पता चल पा रहा है कि ये सब कैसे हो गया। खाना तो बहुत बढ़िया बनाए थे, अमित जी आए थे रसोई में टेस्ट करने के लिए खाना। ओ, इन्होंने खाना खुद टेस्ट किया था? जी। योर ऑनर, पॉइंट टू बी नोटेड, मुलजिम अमित ने मिश्री के द्वारा बनाए गए खाने को खुद टेस्ट किया था। मतलब साफ है योर ऑनर, खाना जो बना था उसमें कोई गड़बड़ नहीं था। एक बात बताइए, आप खाना लेकर रसोई से बाहर अमित जी के पास गए थे या अमित जी आए थे? वो तो अमित जी ही आए थे अंदर। अमित जी आए थे जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर वो हम और गोपाल दरी बिछाने के लिए बाहर चले गए थे। और अमित? वो रसोई में थे अकेले। जी हाँ। तो साफ है योर ऑनर, मुलजिम ने ही मौके का फायदा उठाकर खाने में जहर मिलाया। जी ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं मिलाया था। तो फिर जहर की वो शीशी आपके बैग में कैसे आ गई? मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, कौन फंसा सकता है भला आपको? मुखिया जी और उनके छोटे भाई। मुखिया जी और उनके छोटे भाई? जज साहब, जहां तक मुझे मालूम है कि मुखिया जी उस दिन उस समय स्कूल तो छोड़िए गांव से भी दूर किसी चुनावी सभा में उपस्थित थे। जब वो आदमी वहां उपस्थित ही नहीं है तो फिर खाने में जहर कैसे मिला सकता है? जी मुझे मालूम नहीं। मुझे मालूम नहीं? जज साहब, इन्हें कुछ मालूम ही नहीं है? जज साहब, अब तक अदालत में ये साफ हो चुका है जो खाना बनाया गया था उसमें जहर मिला हुआ नहीं था।
सिर्फ यही एक शख्स थे जो किचन में अकेले मौजूद थे। इनके पास पूरा मौका था खाने में जहर मिलाने का। दूसरी बात योर ऑनर, बच्चे जब खाना खा रहे थे ये ऑफिस में थे जहां इनका बैग था। इनको पूरा मौका था कि ये बैग में जहर की शीशी रखें। योर ऑनर, अब बात आती है मोटिव की, तो मैं अदालत के सामने वो भी साफ कर देता हूं। मिश्री जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ दिनों से ये चिड़चिड़े हो गए थे? इनका व्यवहार बच्चों के प्रति बदल गया था? नहीं, बच्चों के प्रति, सारे बच्चों के प्रति बर्ताव नहीं बदल गया था। कुछ बच्चे थे जो किसी के साथ मिलके इनको परेशान कर रहे थे। कुछ बच्चे थे जो मिलके परेशान कर रहे थे? जी। मैं समझा नहीं कुछ। इन्होंने कभी खुल के तो नहीं बताया, लेकिन बात उस दिन की है कि एक दिन क्या हुआ? नहीं मिश्री, तुम कुछ नहीं बताओगे। तुमने मुझसे वादा किया था। हमको बोलने दीजिए, वादा आपसे बढ़कर नहीं है। आज अगर नहीं बोलेंगे ना, तो ये लोग आपको पागल साबित कर देंगे यहाँ पे। हाँ तो बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? हादसे के 3 दिन पहले अमित जी आए थे हमारे पास में, बोले थे हमसे कि माचिस दो। तो हमको लगा कि तू सिगरेट वगैरह पीते नहीं है, तो काहे के लिए माचिस मांग रहे हैं। तो हम माचिस तो दे दिए, लेकिन हम इनका पीछा किए कि आखिर कहां जा रहे हैं। हाँ सर, हमें 2 मिनट में आया। का है सर? ये असली फोटो नहीं है, जाली फोटो है। दिखाओ, ये दिखाओ, हमारे हाथ में दो ना। अरे हम ये फोटो दिखा करके मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। आपकी इस फोटो वाली बात को आपके अलावा और कोई जानता है जो ये साबित कर सके कि आप जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं? वो नकली फोटो के बारे में। 1 मिनट, नकली और असली की बात बाद में करेंगे। पहले ये बताइए कि आपके अलावा कोई और जानता था इसके बारे में, जानता था या नहीं? जी जी, हमारे ख्याल से तो नहीं, लेकिन उस लिफाफे के बारे में सबको पता था। आप चाहे तो सबसे पूछ भी सकते हैं। तो इसलिए राजू को उस दिन जो है घर वापस भेज दिया। अच्छा जी, सच सच बताओ, ये लिफाफा तुम्हें किसने दिया? हम सच कह रहे सर, हमें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। तुम सच सच बता दो, स्कूल से रजिस्टर तुम ही लाते हो ना? हाँ सर, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, यदि तुमने सच बता दिया तो तुम्हें माफ कर दूंगा। हम सच कह रहे सर, हमें तो ये भी नहीं पता था कि रजिस्टर के अंदर लिफाफा रखा हुआ था। जो भी हो सच सच बता दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। सर हम पर भरोसा कीजिए, जाओ यहाँ से। लेकिन वैसा ही लिफाफा मिला फिर स्कूल में, तो सबको ये पता चल गया कि इसमें राजू शामिल नहीं है। लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है, घिनौना साजिश है, इसके बारे में कोनो पता नहीं चल पाया है अभी। इसलिए वो बच्चों को बुला के धमकाए थे। जी ठीक है, आप जा सकते, थैंक यू। जी कहाँ जाएं? इस तरफ। योर ऑनर, अब हमारे अगली गवाह हैं पुनीता जी, जो स्कूल में पढ़ाती हैं, टीचर हैं। पुनीता जी, आपको क्या लगता है कि खाने में जहर किसने मिलाया होगा? जी यकीन के साथ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन शक तो इन्हें पड़ जाता है, क्योंकि उस दिन कमरे में इनके बाद कोई अकेले गया ही नहीं था। पानी में जहर मिलाने की वजह क्या हो सकती है? शायद वो लिफाफा जिसके अंदर का था वो तो हमको पता नहीं है, लेकिन उसको लेकर ये बहुत गुस्से में थे। घटना के एक दिन पहले तो इन्होंने स्कूल के सारे बच्चों को इकट्ठा करके धमकी दे डाली कि जो भी ऐसा काम कर रहा है वो सामने आकर सच सच बता दे, नहीं तो
उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन कोई बच्चा सामने नहीं आया। जी योर ऑनर, मतलब साफ है कि कोई लिफाफे के जरिए मुलजिम को ब्लैकमेल या परेशान कर रहा था, और मुलजिम अमित को लग रहा था कि ये काम बच्चे में से कोई कर रहा है, और मुलजिम ने बच्चों को सबक सिखाने के लिए बच्चों के खाने में ही जहर मिला दिया। इतना घिनौना काम योर ऑनर, मुलजिम के इस घिनौने काम के लिए, इस जुर्म के लिए मैं अदालत से मांग करता हूं कि मुलजिम को फांसी की सजा दी जाए। योर ऑनर, अभी तो जुर्म साबित भी नहीं हुआ और मेरे काबिल दोस्त सजा पर आ गए। लगता है बड़ी जल्दी में है आप। योर ऑनर, मैं गवाह पुनीता जी से कुछ पूछना चाहती हूँ। यू मे प्रोसीड। हाँ तो पुनीता जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक साइकिक या पागल किस्म का आदमी इतनी सफाई से खाने में जहर मिला देता है कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलता? अरे ये कोनो पागल उगल नहीं है, ये तो बहुत चालाक है। इनको गुस्सा भी नहीं आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत खतरनाक आता है। अच्छा, तो इनके खतरनाक वाले गुस्से की कोई एग्जाम्पल होंगी आपके पास? हा? क्या आप उधर क्यों देख रही हैं? आपने अभी बोला ना कि इनको बहुत खतरनाक वाला गुस्सा आता है, तो एक दो एग्जाम्पल दीजिए, कुछ तो याद होगा। हाँ हाँ, तो बताइए। अरे वो अपने स्कूल का बच्चा है ना चंदन, उसको तो इन्होंने इतना मार मारा था कि उसके तो सर से खून बह गया था। आपको कोई एक दो और घटना याद होगी? हाँ, ये तो अक्सर बच्चों को स्कूल से घर ही वापस भेज देते थे। अरे इनका बस चलता तो वो गुल्लू का नाम ही कटवा देते स्कूल से। पता नहीं इनको उससे क्या खुंदक था। वो तो बेचारा इनके क्लासरूम से ज्यादा बाहर खड़ा रहता था, तनी को कुछ किया नहीं, ले जाके बाहर खड़ा कर देते थे। ठीक है, अब जा सकती है। योर ऑनर, पुनीता जी की बातों से ये साफ होता है कि अगर मेरे क्लाइंट को किसी बच्चे पर गुस्सा भी आता था तो फिर वो उनसे मारपीट करने की जगह उनको क्लासरूम से बाहर निकाल देते थे, या फिर उस दिन के लिए स्कूल से ही बाहर निकाल देते थे। यानी जो खतरनाक वाले गुस्से की वो बात कर रही थी वो बात सच नहीं है। और हाँ योर ऑनर, अभी तो इस केस से जुड़े एक दूसरे एंगल को टच भी नहीं किया। दूसरा एंगल मतलब? मतलब ये कि मुलजिम को इस केस में फंसा कर किसे सबसे ज्यादा फायदा हो रहा था? योर ऑनर, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक तो सारे सबूत और गवाह मुलजिम के खिलाफ ही है। लेकिन कोई भी सबूत या गवाह पुख्ते तौर पर ये साबित नहीं करता कि मेरे क्लाइंट ने ही ये घिनौना काम किया है। लेकिन ये जरूर साफ है कि इनके पीठ पीछे कोई साजिश रच रहा है। कौन रच सकता है योर ऑनर? मुखिया गजराज प्रताप सिंह। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल। थैंक यू योर ऑनर। मैं इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए मुखिया गजराज प्रताप सिंह को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। प्रणाम। हाँ तो मुखिया जी, आजकल आप हर चुनावी सभा के मंच पर सीना ठोक के बोलते हैं कि आपने 86 बच्चों की जान बचाई। हाँ, तो गलत है, मतलब ये सच बोल रहे हैं ना हम, जो है वो सच्चाई बताई हमने। हाँ, लेकिन क्यों? क्योंकि इससे आपको चुनावी फायदा होगा, है ना? अभी आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब बच्चों के खाने में जहर हमने मिला दिया और हमें बचाने आ गए? जी हाँ। ऐसे कैसे? लेकिन बस अंतर यही है कि आपने वो जहर खुद नहीं बल्कि किसी दूसरों के हाथों मिलवाया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। डिफेंस लॉयर अपने क्लाइंट को बेगुनाह साबित करने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बनाकर एक शरीफ आदमी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। योर ऑनर, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए इन्हें शांत बैठने का आदेश दीजिए, क्योंकि अब मैं इस केस से जुड़े सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर पर बात करने जा रही थी।
कोर्ट का समय खत्म हुआ योर ऑनर। हमारी काबिल दोस्त के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर कल सुनवाई होगा। क्यों? लेकिन योर ऑनर, मेरा क्लाइंट बेगुनाह है और ये बात मैं साबित भी कर दूंगी, लेकिन अब तक इनके साइकिक होने के बाद पर इन्हें जमानत नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब तक के पेश हुए सारे गवाहों ने माना है कि ये साइकिक नहीं है। इनके मानने या ना मानने से क्या होता है योर ऑनर? मानना तो अदालत को चाहिए। गवाहों के बयान से ये साफ हो गया है कि मुलजिम साइकिक नहीं है, उसे कोई परेशान और उकसाने की कोशिश कर रहा है, लिहाजा इस केस में किसी साजिश के संभावना होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह अदालत मुलजिम की जमानत की अर्जी मंजूर करती है, साथ ही अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। थैंक यू माय लॉर्ड। अरे संभाल के उतरिएगा। ठीक है। हाँ। ताला लगा हुआ है इधर तो? ताला लगा है? जी हाँ, ताला लगा हुआ है। अरे ताला लगा है, इधर कोई है का? कोई नहीं। ये कहाँ गए हुए हैं? ये लोग कहाँ गए? कहाँ गए? ये लोग काफी दिनों से ताला बंद है, नहीं आए। लोग कहाँ गए हुए? पता नहीं कहाँ गए, 15-20 दिन हो गए नहीं आए। 15-20 दिन से नहीं है? अरे 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 भैया यही आओ। ये कहाँ गया ये राजू जी? होना हो ये मुखिया का फार्म हाउस गया होगा। हाँ चलिए चलिए, चलो चलो चलो, चलो 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 चलो। आप इधर बैठ करके दारू पी रहे हैं और उधर राजू का बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे ठीक हो जाएगा, मुखिया जी ने दवाई भिजवाई है ना, तू बस उसको टाइम से देती रह। हमको तो लगता है कि ये सब आपके ही पाप का फल है। सच्ची सच्ची बताइएगा, आप ही बच्चा लोग को जहर दिए थे ना? अरे दिमाग खराब हो गया है तेरा, हम भला ऐसा काहे करेंगे? अरे हमको मत समझाइए, हमको सब कुछ पता है, वो मुखिया के लिए ना आप कुछ कर सकते हैं। हाँ तो किया हमने, अब तू अपना मुंह बंद रख, इसी में हम तीनों की भलाई है। अबे तुम मुर्गी काने खाते हुए? कौन हो सकता है अभी? चल देखते हैं। चल अबे, मरगे पे पूरा गांव आया है, अब क्या करें? दरवाजा खोलो। काहे? तुम्हारे बाप का घर है का? अरे गजब बतिया रहे हो यार, हा? देखो हमको अच्छी तरह से मालूम है कि नथुनी और उसका पूरा परिवार यहीं छुपा है, हम सब उसको लेने आए हैं, दरवाजा खोलो। चलो जाओ यहाँ से, यहाँ कोई नहीं है। अरे कोई नहीं है तो दरवाजा खोलो ना, डर क्यों रहे हो, हम देख के तसल्ली कर लेंगे। हमें लग रहा है कि उनको सब मालूम चल गया है, और अगर अब हम इधर दरवाजा नहीं खोले तो साले पुलिस को बुलाएंगे। लेकिन लेकिन अंदर बुला लिया तो ये है ना। अरे हम काहे छुपेंगे, आओ सब देख के तसल्ली कर लो। चलिए सर, चलिए सर, चलिए चलिए। अरे दरवाजा क्यों बंद कर दिया? व्हाट साहब, क्योंकि अब यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। नथनी और उसके परिवार को इन्होंने यही छुपा रखा है। सही कह रहे आप, ए संभाल के। और अब ना तुम सब अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो तुम सबकी जान का हत्यारा मैं हो जाऊंगा। सर वो देखिए नथुनी कहाँ? बस बस गोली चल गई है बेटा, देसी कट्टे से एक बार में एक ही गोली। खबरदार तेरी तो मोरे मारे फोड़े फोड़े फोड़ दे सर, तुम्हारा बोल फोड़ दे। बैग नीचे बैग किया का चमचम मुंह बंद कर, पानी पानी लेकर ए तू निकल, तू निकल। व्हाट्सएप निकल, ही लोगों लेके कर रहे ऐसा। निकल निकल निकल, चलो निकलो जल्दी, निकलो सब सब निकलो यहां जल्दी, चलो चलो। ए ए चुप रह चुप रह चुप रह। नथुनी कहाँ है रे? उका तो वो मास्टर साहब अपने साथ ले गए। छे
जब वो बुढ़वा लेके जा रहा था तो क्या झाल बजा रहा था रे? हट! हेलो रश्मि जी। जी आप लोग कहाँ पहुँचे? हम 15 से 20 मिनट में पहुँच जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ड्राइवर साहब जरा जल्दी चलिए, वक्त से पहले कोर्ट पहुँचना है। योर ऑनर, आज मैं अदालत में एक ऐसा गवाह पेश करने जा रही हूँ जिनके आने के बाद पूरा केस ही क्लियर हो जाएगा। तो बुलाइए ना, ऐसा गवाह बुलाइए जो पूरा केस क्लियर कर दे। क्यों अदालत का समय बर्बाद कर रही हैं आप? योर ऑनर, वो लोग आते ही होंगे। क्यों, आपने अदालत का समय नहीं बताया था उन्हें? योर ऑनर, कोई नहीं आने वाला क्योंकि ऐसा कोई गवाह है ही नहीं। गवाह है और वो है मुखिया गजराज सिंह का वफादार नौकर नथुनी। एक बात बताइए, मुखिया गजराज सिंह का वफादार आपका वफादार कब से हो गया? क्योंकि उसको अपनी गलती का पछतावा है। ओह, आप तो पहले ये पता करिए कि आपका गवाह अदालत में आया है या नहीं। फटाफट गाड़ी भगाओ, गाड़ी भगाओ, गाड़ी भगाओ फटाफट। मास्टर गाड़ी रोक दे सर, आप चलते चलो। काट देंगे कह रहे सर, संभाल के सर। जल्दी जल्दी संभाल के निकलो, निकलो बाहर। आप लोग चलिए, मैं उनको संभालता हूँ। ठीक है। योर ऑनर, उनका फोन नहीं लग रहा और मुझे लगता है कि उनके जान को खतरा है। योर ऑनर, लगता है कि मैडम पूरी तैयारी करके आई हैं। पहले तो इन्होंने अपने क्लाइंट जो कि केस का मेन अक्यूज है उसका जमानत करवाया, फिर वही अक्यूज एक गवाह लेकर आने वाला था अदालत में। न एक्यूज आया न गवाह। मुझे तो योर ऑनर ऐसा लगता है कि मौके का फायदा उठाकर इनका क्लाइंट मुलजिम अमित फरार होने की कहीं कोशिश तो नहीं कर रहा है। प्रणाम करते हैं मास्टर जी। अभी तक तो बकरी की तरह भाग रहे थे, अभी सांड की तरह टक्कर मारने के लिए सामने आ गए। क्या खाया है महाराज, हैं बताइए। इसका ऐसा मुंह कुचो कि इसकी अम्मा भी नहीं पहचान। पका ससुर को। काट के ससुर को दफन कर दे। Hey, 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 hey
पाट साहब तो गिर गए, अब क्या करें? योर ऑनर, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि बिना वक्त बर्बाद किए हुए आप मुल्जिम अमित को दोषी करार करते हुए भगौड़ा घोषित कीजिए। बस ये अदालत डिफेंस लॉयर को ये हिदायत देती है कि एक घंटे के अंदर आप गवाह को और मुल्जिम को अदालत में पेश करें, नहीं तो मुल्जिम को भगाने की साजिश में डिफेंस लॉयर के ऊपर भी केस चलाया जाएगा। यह अदालत एक घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। हमको लगता है वो लोग जरूर किसी मुसीबत में फंसे हैं। हम लोग चल के देखना चाहिए, क्या बोलते हैं आप? हाँ, हम लोग को भी चलना चाहिए। चल गोपाल, चल, 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 चल। नहीं नहीं, आप यहीं रुक जाना, हम इनके साथ चले जाते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। चल। कैसे हैं आप? जो भी कुछ हुआ है ना यहाँ पर, उसकी वजह आप हो और इसकी सजा आपको मिलेगी, है ना? क्या बोले जज साहब? घंटा। आइए। मां साहब आप ठीक तो है ना? मां साहब उठिए। अरे जाओ, वो देखो वो चले। आज? अरे छोड़िए छोड़िए, हमसे गद्दारी किया, हमसे गद्दारी किया तू? अरे मास्टर, कितना भागेगा रे बुढ़ौती में? आए बोल बोल। मम्मी उठो, मम्मी उठ उठ भागना, उठ भाग, फुट फुट जगह नहीं तू, भाग। क्या हुआ है? चलो चलो भाग, आओ चलो, चल बैठ बैठ जल्दी, चल 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 चल, आइए बैठिए, जल्दी जल्दी बैठिए। योर ऑनर, आपने एक घंटे का टाइम दिया था, डेढ़ घंटे होने को है, गवाह तो दूर, मुल्जिम खुद फरार है। योर ऑनर, मेरे ख्याल से अदालत को और प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए, तुरंत अदालत को मुल्जिम को सजा सुनाना चाहिए। डिफेंस को समय देने के बावजूद भी वो गवाह को अदालत में पेश नहीं कर पाई, और तो और मुलजिम को बेल करा करके उसको फरार करने में उसकी मदद की है, लिहाजा ये अदालत एक भी। ये रहा गवाह। जय साहब, मुखिया जी के कहने पर हमने ही बच्चों के खाने में जहर मिलाया था, लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे। रुको रुको, रुको। ए! ए! चलिए जल्दी। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, डालो ससुर गाड़ी। हमारी उस गलती से दो मासूम बच्चे मारे गए, हम तभी से काफी घुटन महसूस कर रहे थे जज साहब, लेकिन मुखिया जी ने हमें हमारी जोरू और बच्चे के साथ कैद करके रख दिया था। माई बाप,
आप ही बताइए हम क्या कर सकते थे। आप कुछ क्रॉस क्वेश्चन करना चाहेंगे? क्रॉस क्वेश्चन प्लीज। आप हाँ तो नथुनी जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने बच्चों के खाने में जहर मिला दिया लेकिन आपको किसी ने देखा भी नहीं? जज साहब, स्कूल का रसोई घर का खिड़की दिन में खुला ही रहता है। हमने एक लकड़ी में उजहर का सीसी बांधकर खिड़की में से ही दाल में जहर मिला दिया था। क्या दाल खुली रखी थी? जी नहीं, पहले हमने उस लकड़ी के सहारे दाल पे रखे ढक्कन को हटाया और फिर उसमें जहर मिला दिए। और वो जहर की शीशी, वो अमित सर के बैग तक कैसे पहुंची? वो जब सब हॉस्पिटल गए थे तो ये पुनीता मैडम चुपके से स्कूल का चाबी ला के हमको दे दी थी, और हम स्कूल जाकर उस शीशी को अच्छे से पोंछकर अमित बाबू का बैग में रख दिए थे। और उस लिफाफे या फोटोज के बारे में कुछ बताना चाहते हो जिसके जरिए अमित को साइकिक या पागल करार करने की कोशिश की जा रही थी? जी नहीं जज साहब, हमको उसके बारे में कुछ नहीं पता। उसके बारे में ये बताएगा, एमो? अरे उधर कहाँ जा रहे हैं मुखिया जी, आपको तो सही जगह पुलिस वाले लेके जाएंगे। मुन्ना छोड़ना नहीं इस पापी को। अरे मुखिया जी, जा कहाँ रहे हो? अरे बैठो, हम बताते हैं, बैठो। जज साहब, हमने ही अमित जी को साइकिक साबित करने के लिए उनकी और रश्मि जी की फोटो बाजार से एडिट कराई थी, और उन फोटोग्राफ्स को स्कूल तक पहुंचाने के लिए पुनीता जी ने हमारी मदद की थी ताकि किसी पर शक न हो। और अमित जी का गुस्सा बच्चों पर निकले इसलिए हमने चंदन और गुल्लू जैसे बच्चों का सहारा लिया जो अमित से पहले ही चिढ़ते थे। नथुनी और हेमराज उर्फ हेमू की गवाही से यह साफ हो जाता है कि बच्चों को जहर देने में मुखिया गजराज सिंह की साजिश है, और इस साजिश में उनका साथ दिया है उनके भाई हेमराज, उनकी साली पुनीता और उनके नौकर नथुनी। अमित पूरी तरह से बेकसूर है, इसलिए अदालत मुलजिम को बाइज्जत बरी करती है और ये आदेश देती है कि इस केस के असली गुनहगार गजराज प्रताप सिंह, उनके भाई हेमराज, उनकी साली पुनीता, इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, और नथुनी ने जो कानून की मदद करने का सही फैसला किया है इसलिए कानून ये वादा करता है कि नथुनी के साथ नरमी से पेश आएगा। और इस तरह हमारे स्कूल में एक बार फिर से पढ़ने पढ़ाने का दौर शुरू हो गया। अपने स्कूलवा का देखो असर, अरे अपने स्कूलवा का देखो असर, अब पढ़ने लगा है। ललन मोरा ललन मोरा, अंग्रेजी हिंदी गणित सब पढ़ने लगा है। ललन मोरा अंग्रेजी हिंदी गणित सब पढ़ने लगा है। ललन मोरा अंग्रेजी हिंदी गणित सब पढ़ने लगा है। है पढ़ता हमें भी पढ़ाता, खुद भी है पढ़ता हमें भी पढ़ाता, गलती पे हमरी हमें भी सिखाता, गलती पे हमरी हमें भी सिखाता। अरे सूरज के जैसे अब घर को रोशन, सूरज के जैसे अब घर को रोशन करने लगा है। ललन मोरा ललन मोरा अंग्रेजी हिंदी गणित सब पढ़ने लगा है। ललन मोरा अंग्रेजी हिंदी गणित सब पढ़ने लगा है। ललन मोरा अंग्रेजी हिंदी गणित सब पढ़ने लगा है। मस्ती में उसके कमी भी तो ना है, मस्ती में उसके
कमी भी तो ना है, लेकिन पढ़ाई में मन तो लगा है, लेकिन पढ़ाई में मन तो लगा है। अरे अब हर परीक्षा में उसका भी नंबर, अब हर परीक्षा में उसका भी नंबर बढ़ने लगा है। ललन मोरा अंग्रेजी हिंदी गणित सब पढ़ने लगा है, ललन मोरा अंग्रेजी हिंदी गणित सब पढ़ने लगा है, ललन मोरा अंग्रेजी हिंदी गणित सब पढ़ने लगा है, ललन मोरा अंग्रेजी हिंदी गणित सब पढ़ने लगा है, ललन मोरा अंग्रेजी हिंदी गणित सब पढ़ने लगा है। मस्ती में उसके कमी भी तो ना है, मस्ती में उसके कमी भी तो ना है, लेकिन पढ़ाई में मन तो लगा है, लेकिन